तो मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ काजल व्लॉगर में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे लिपस्टिक के शेड्स, बहुत सारे नेल पेंट्स के शेड्स, बहुत सारे फेशियल किट्स, बहुत सारी ब्लीचेस, बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट रिव्यूज़ लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए, जिनको आप देखें पूरी एंड तक वीडियो देखें और देखिए आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप ये किट यूज़ करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हैं, आप ये लिपस्टिक शेड्स लगाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी लाए हैं जो कि आप डेली यूज़ में अपने फेस पर यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी एक तरीके से प्रोडक्ट रिव्यूज़ के ऊपर है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या बेनिफिट हैं, क्या है उस प्रोडक्ट के अंदर, लिपस्टिक शेड जो है आपकी वो आप कौन सा लगाएं, कौन से लिपस्टिक शेड्स हैं जो बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों उसे कर दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आज हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ के बारे में आपको बताएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ब्लीच। क्योंकि जब भी हम पार्लर में जाते हैं तो फेशियल करने से पहले सबसे पहले ब्लीच होती है। ब्लीच किस पर्पज़ से होती है, आप सब लोग जानते होंगे कि ब्लीच जो होती है वो हमारे जो छोटे छोटे बाल होते हैं फेस पर, उनको कलर करती है, हमारी स्किन से मैच करती है, जिससे कि हमारे फेस पे जो बाल हैं वो हमारी स्किन से मैच करें और हमारा जो फेस है वो ब्राइट दिखे। कई लोगों को क्या होता है कि ब्लीच सूट नहीं करती है, तो ब्लीच सूट करने से पहले, ब्लीच लगाने से पहले आपको ये ज़रूर चेक करना होता है कि ब्लीच आपको सूट करती है या नहीं करती है। उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आप कोई भी ब्लीच को पहले ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सी की ब्लीच के बारे में आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये है हमारा ब्लीच। ये देखिए, ये ऑक्सी की ब्लीच इस कलर से होती है, एकदम लाइट शेड है, बहुत लाइट शेड है, ना ही प्रॉपर वाइट है और ना ही ये ब्लू है, बहुत लाइट शेड है ये। ये है हमारी ब्लीच। और हमें क्या करना होता है कि हमें इस पैक में दिया होता है एक्टिवेटर। ये देखिए, ये एक्टिवेटर होता है हमें इस ब्लीच को, और इसके साथ हमें एक सेकेंड, ये देखिए इस पैक में हमें दी गई है ये स्टिक। इससे हमें क्या करना है, ये हमें 3 बार यूज़ करनी है अपने फेस पे। ये रेडियंस के लिए है, इसको आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि फेशियल, क्योंकि ब्लीच का आपको मैंने 5 ऑप्शन दिखाए थे, 5 रिव्यूज़ दिखाए थे ब्लीच के, और अब मैं आपको एक एक करके बहुत सारे जो फेशियल किट हैं उनके रिव्यूज़ और उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है VLCC के फेशियल किट, 2 लिए हैं मैंने यहाँ पर फ़िलहाल। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी सी पैकिंग भी है इस तरीके से। इसको क्या कर सकते हैं आप, बाद में जब आपके फेशियल यूज़ हो जाए उसके बाद एक अच्छे से पाउच आपको फ्री में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ कि ये जो VLCC के जो ये पैक हैं, इसमें आपके 6 फेशियल होते हैं। और जो इसके प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्राइस दोस्तों 499, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और अच्छे फेशियल आपके 6 सैचे मिल रहे हैं, जो कि आपके फेस के लिए बहुत अच्छे फेशियल होने के साथ साथ आपके 6 फेशियल हो रहे हैं 499 में, कोई बुराई नहीं है। तो आप इसको, इस वाली किट को ज़रूर ट्राई करिए, मंगवा लीजिए।
मार्केट से ले आइए, जैसा आपको सही लगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ओपन करना भी बहुत अच्छा है इसका, जितना आपका यूज़ हो उतना यूज़ करिए, बाकी पैक करके सील करके रख दीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ, इसके ओट मिल स्क्रब है इसके अंदर। तो ओट मिल स्क्रब प्लस ऑलिव ऑयल, तो दोनों ही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी हम देखें सीधे काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ऐसे हमारे, तो इसका मतलब हमारे 6 फेशियल होंगे इसमें। और जो इसको आपको क्या करना है कि इस पाउडर को आपको अपने फेस पर पहले पानी को से वॉश करना है, उसके बाद इस पाउडर को, इसको एक सैशे को निकाल के एक पाउडर इसको ओपन करके आपको वाटर पे मिलाकर, थोड़ा सा पानी मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट रेडी करना है और उसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। और तब तक अप्लाई करना है थोड़ा सा गीला करके, और एक 2 से 3 मिनट आपको इससे हल्के हाथों से जेंटली मसाज करनी है, जैसा आप फेशियल्स में करते हैं। ऐसे मसाज करने के बाद आपको क्या करना है कि एक जो टिश्यू पेपर है उससे आपको इसको हटा देना है, जो स्क्रब आपने अप्लाई करा है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो राइस फ्लोर है और टर्मरिक है, वाइट फ्लोर है और स्टीविया है, स्टाविया है, और इसमें क्या कहते हैं, फेनग्रिक पाउडर है जिसे हम मेथी दाना का पाउडर भी कहते हैं, जो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा है, और कैरेट सीड का ऑयल है इसमें। ये कुछ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घरेलू नुस्खों में भी बहुत यूज़ होते हैं, तो जो मैंने आपको पढ़ के बताए, तो इनको आप इसके अंदर ये इंक्लूड है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके फेस पर अच्छा ग्लो तो आएगा ही। तो इसको आप ट्राई करिए स्क्रब को। सेकंड मैं ओपन करती हूँ जो है मेला वाइट जेल। ये जेल की फॉर्म में है दोस्तों, जैसा आपको पता लग रहा होगा, और ये पाउडर की फॉर्म में था, तो ये जेल की फॉर्म में है। इसे आप क्या करना है, ये क्यूकम्बर के एक्सट्रैक्ट्स और एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ जेल है। और दोस्तों क्यूकम्बर और एलोवेरा ये दोनों जेल जो हैं, जो दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, ये हमारे फेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, जो मेला वाइट जेल है इसको आपको अपने फेस पर, नेक पर अराउंड 5 to 7 मिनट के लिए अप्लाई करना है इस जेल को। और इस जेल से आप देखेंगे आपके फेस को जब वो सूखा सूखा होने लगे, तब आप मसाज करके सर्कल मोशन में और फिंगर टिप्स की हेल्प से, ये जो फिंगर टिप्स होती हैं हमारी, इनकी हेल्प से आप इस तरीके से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद जो जेल है आपका फेस पे जो लगा था वो सूखने लगेगा, और उसके बाद आप उसे धो लीजिए। और इंग्रेडिएंट्स अगर मैं आपको इसमें बताऊँ तो इसमें एलोवेरा है, क्यूकम्बर है, और इसमें मेथी दाना के एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, जो ये तीनों चीज़ें हमारे फेस को बहुत अच्छा ग्लो देने में हेल्प करती हैं। तो ये मेला वाइट जेल आपके फेस का, इस फेशियल का सेकंड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ, जो थर्ड स्टेप है वो है मेला वाइट पाउडर। वो स्क्रब था, ये जेल है, और ये है पाउडर। तो ये जो पाउडर है ये एंटी टैन फेशियल किट है। ये जो किट जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये एंटी टैन है, ये टैनिंग को दूर करने में बहुत हेल्प करती है। तो इसको आपको क्या करना है, वाइट जो प्रोमोग्रेनेट है, ये अनार के दाने और आलमंड का, जो आलमंड केक के पाउडर का पाउडर बना हुआ है,
तो ये दोनों चीज़ें मिलके आपके फेस को ग्लो करने में भी हेल्प करेंगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको क्या करना है कि जेल को सुखाने के बाद, फेस पे मसाज करने के बाद, आपको जो क्लींजिंग करना है, अपने फेस को क्लीन करना है एक टिश्यू पेपर की हेल्प से। उसके बाद आप इस पाउडर का जो पैक है इसको थोड़े से पानी में या रोज़ वाटर में भी आप इस पैक को मिला सकते हैं और अपने फेस पर ब्रश की हेल्प से लगाएं और 7 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। और जब वो हल्का हल्का सूखने लगे तो आप इस पाउडर को वहाँ से उससे टिश्यू पेपर की हेल्प से हटा दें। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, जो आपको लेना है वो है पिस्ता मसाज क्रीम। तो ये तो सुनने में ही बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मसाज क्रीम है ये, तो इसमें देखिए क्या क्या है। जो पिस्ता का एक्सट्रैक्ट है वो भी इस किट के अंदर है, और जो रोज़ पेटल का एक्सट्रैक्ट है दोस्तों, जो एक्सट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, जो हमारे इन जो प्रोडक्ट है उसमें से जो उसके ऊपर का रैपर होता है, जो थोड़ा सा जो रस होता है एक्सट्रैक्ट, उसे कहते हैं। तो ये है हमारा 4th स्टेप। इसको आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको लगाने के लिए क्या करना है। जो अभी आपने ये पाउडर लगाया था, इसे 10 मिनट हटाने के बाद आपको क्या करना है कि ये आपका पाउडर लग चुका है, लेकिन ये जो है ये एक्स्ट्रा है आपका। इसको आपको क्या करना है कि जब आप सोएंगे रात में, तो सोने से पहले आपको हफ्ते में एक बार, और या फिर नहाने से पहले हफ्ते में एक बार आप इस मसाज क्रीम को अपने फेस पर लगाएं और देखिए कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसको आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो देखिए, पिस्ता है, केसर है, जायफल है, मसूर दाल है, गुलाब है, मक्का है, भुट्टा जिसे कहते हैं, संतरा है, और दारू हल्दी है। तो इसमें, इस जेल में, सॉरी इस क्रीम में ऐसे वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके फेस को बहुत ही अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं, जो आपके फेस को चमक देंगे। तो दोस्तों, इस जेल को आप फेशियल में यूज़ ना करके, अगर आप इसको बच जाता है तो रात को सोने से पहले या नहाने से पहले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा जेल है आपके लिए, तो इसको ज़रूर ट्राई करिए। अब मैं बात करती हूँ 5th स्टेप की। जो 5th स्टेप है वो है मेला वाइट पैक। फेशियल करने के बाद दोस्तों जो पैक हमें लगाना है वो है ये। तो इसमें क्या क्या है, ये विंटर चेरी एक्सट्रैक्ट्स है और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स है, जो हमारे पोर्स फेशियल के टाइम पे ओपन हो गए हैं उनको सही करने के लिए, उनको भरने के लिए हम पैक का यूज़ करते हैं। तो ये हैं वो पैक। इसको आपको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताती हूँ कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा रोज़ वाटर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, उसके अंदर थोड़ी ये अपना पैक डालिए और उसको अच्छे से मिक्स करके एटलीस्ट 15 मिनट के लिए अपने फेस पर लगा लीजिए, और जब वो सूख जाए तो उसे हटा दीजिए। तो ये थे, बहुत ही अच्छी किट है ये, मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों। आप इसे चाहें तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। इसमें जो भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, जो आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्प करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर जो दूसरी किट थी, तो इसको भी मैं ओपन करती हूँ। और इस किट में हम देखते हैं दोस्तों कितने पैक, कितने फेशियल होते हैं। तो अगर इस किट के रेट की बात की जाए तो ये किट हमारी पहले वाली किट से महंगी है। ये किट हमारी 600 रुपये की है, जिसके अंदर 5 फेशियल हैं, और वो हमारी 500 की किट थी जिसके अंदर 6 फेशियल थे। स्टेप वही हैं पर इसमें फिर भी एक कमी है स्टेप की। हम देखते क्या क्या नहीं है इसके अंदर।
सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं, सॉरी फेस पैक, हाँ जी ये देखिए, सबसे पहले हम स्क्रब लेंगे। तो स्क्रब आपको देखिए यहाँ पर एक स्क्रब हम यूज़ कर चुके हैं, यहाँ पे मैंने स्क्रब लिया है। जो स्क्रब है वो इंडियन ब्यूटी के लिए फेस स्क्रब बोला है इन्होंने। तो ये देखिए ये स्क्रब की फॉर्म में है, बहुत टाइट है। तो इसको आपको क्या कर, ये स्किन टाइटनिंग के लिए है ये फेशियल। जिनकी स्किन में लूज बना जाता है, जिनको अपने फेस की झुर्रियाँ कम करनी है, उनके लिए ये फेशियल है। और ये फेशियल बहुत अच्छा है, ये बर्बरी का फेशियल है, VLCC का है। इसमें देखिए क्या क्या है, डेट एक्सट्रैक्ट्स और पपाया सीड्स। जो स्क्रब है इसके अंदर डेट एक्सट्रैक्ट्स हैं और पपाया सीड मिलाई हुई हैं, जो कि आपके फेस पे अच्छा रिजल्ट देंगी। और इसको अप्लाई कैसे करना है, वही फेस और नेक पे सर्कल मोशन में 2 से 4 मिनट के लिए अपने फेस पर ऐसे अप्लाई करें और उसके बाद टिश्यू पेपर से रब कर दें। सेकंड है स्टेप है लाइम मसाज जेल। तो देखिए VLCC के जो फेशियल में जेल है, ये जेल फॉर्म बहुत अच्छी है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने लेमन और पोमेग्रेनाइट दिया हुआ है। इसका मतलब नींबू और अनार के दानों का, अनार का जो ये मसाज जेल बनाया हुआ है ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपको इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है, उसके बाद आपको इसको 4 से 6 मिनट के लिए अपने फेस पर अप्लाई करें और जब वो सूखने लगे तो इसे क्लीन कर दें और सर्कल मोशन में अपने फेस पर इस जेल को अप्लाई करना है आपको। तो ये था सेकंड स्टेप जेल का। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है वो है वी स्किन टाइटनिंग क्रीम। इसके अंदर क्या है दोस्तों, जो वीट ग्राम है मतलब जो गेहूं का आटा है और कैरेट सीड्स एक्सट्रैक्ट्स, ये दोनों ही पहले के ज़माने में जो घर का आटा होता है, जो घर में गेहूं का आटा होता है उससे ही ऑब्टेन किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है क्योंकि ये जो है वीट बहुत ही अच्छा फेस के लिए इंग्रेडिएंट्स है। तो इसके अंदर ये क्या करता है, जो हमारे एंटी रैंकल्स हैं उनको नरिश करता है और चेक जो हमारे फेस पे पोर्स ओपन हो जाते हैं उनको फिल करने में मदद करता है और आपका फेस को फ्रेश और क्लियर दिखाता है। तो ये भी बहुत अच्छा है थर्ड स्टेप। इसको आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है, देन उसके बाद आपको इसके जो अप्लाई करने के बाद इसको हल्के हाथों से सर्कल मोशन में फेस पर अप्लाई करना है। उसके बाद थोड़ी देर से ऐसे रहने देना है और जो गीला टिश्यू पेपर होता है उससे या गीले टॉवल से अपने फेस को वॉश कर लेना है आपको। अब मैं बताती हूँ आपको जो फोर्थ स्टेप है, ये पैक है, ये गेरानम का पैक है, गेरानम और आलमंड का। तो ये पैक आपके फेस के जो पोर्स ओपन हो गए थे उन्हें बंद कर देगा और ये बहुत अच्छा पैक रेडी होगा आपका। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है दोस्तों, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। और जब ये पैक आप अपने फेस पे लगा लेंगे, नेक पे लगा लेंगे और जब ये सूख जाए तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसे ठंडे पानी से वॉश कर लें और अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लें। तो ये थे VLCC के 2 फेशियल्स जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सुनने में ही बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे और इनका प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो आप इस फेशियल किट को ज़रूर ट्राई करिए। ये आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी, मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी शॉप पे इजीली आपको मिल जाएगी फेशियल की किट VLCC की। तो दोस्तों इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब दोस्तों हम देंगे पर्ल फेशियल किट के रिव्यूज़, जो
पर्ल की फेशियल किट है, इसके रिव्यूज़ के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये स्किन सीक्रेट की पर्ल की किट है। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं और ये हर तरीके की स्किन के लिए यूज़ होती है। तो आप देखिए, इसकी पैकिंग बहुत सुंदर सी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो स्टेप है वो है हमारा क्लिंजर। इसकी प्लास्टिक की डिब्बी है और खुशबू बहुत अच्छी है इसकी, और पैकिंग भी देखिए थर्माकोल के ऊपर है, बहुत सुंदर तरीके से दी हुई है ताकि आपको इजीली उठाने में रहे। तो इसकी जो पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों इसका प्राइस ये देखिए, इसका प्राइस ये 1075 की है और इसकी एक्सपायरी अप्रैल तक की है। तो ये महंगी किट है भाई, पर्ल की अच्छी किट होती है, कॉस्टली होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं, फर्स्ट स्टेप भी लिखा हुआ है, क्लींजर हमें यूज़ करना है अपने फेस पर। इस तरीके से आपको मसाज करनी है ताकि जो आपका फेस है वो मॉइस्चराइज हो जाए और साथ ही आपके फेस से पैर जो डस्ट वगैरह लगी है वो साफ़ हो जाए। आप देख सकते हैं कि बहुत सॉफ्ट हो जाता है, इसे लगाकर क्लींजर हमारे फेस को क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है, इसीलिए इसे क्लींजर कहते हैं। तो क्लींजर हमने यहाँ पे यूज़ करा है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो है स्क्रब। क्लींजर के बाद सेकंड स्टेप स्क्रब का आता है। तो स्क्रब के लिए आपको इस तरीके से जो क्रीम लेनी है, और स्क्रब में देखिए जो हल्के हल्के दाने हैं, जो हमारे फेस पर जो डस्ट लग जाती है, इस तरीके से सर्कल मोशन में आपको ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन करते हुए जो ये क्लींजर है वो सॉरी स्क्रब है, इसका आपको यूज़ करना है। 5 से 7 मिनट तक के लिए आप स्क्रब करें, और जब ये सूखने लग जाए तो आप स्क्रब ना करें। और देखिए, आप देखिए ये जो स्क्रब है ये गंदगी निकाल रहा है। देखिए, मैंने वाइट लगाई थी, देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। तो जो स्क्रब है ये हमारा इन सब कामों में यूज़ होता है। स्क्रब करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप हम अप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप जो है सॉरी क्रीम है इस पर्ल की, इसको ये बहुत सॉफ्ट क्रीम है, स्मूथ है बहुत क्रीम, इसको आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है इस तरीके से। और अप्लाई करने के बाद इसकी अपने हाथों से मसाज करनी है सर्कल मोशन में। देखिए, यहाँ पर प्रॉपर दे भी रखा है कि आपको कैसे अप्लाई करना है इसको अपने फेस पर, नेक पर, फेस पर, इन सब पर कैसे आपको अप्लाई करना है। अब इसके बाद हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे। तो दोस्तों जो फोर्थ स्टेप है ये है जो जेल है, ये जेल की फॉर्म है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो रियल में लग रहा है कि ये मोती से ही बना है। तो ये जो जेल है इसको आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है इस तरीके से क्रीम लगाने के बाद। और खुशबू दोस्तों इसकी बहुत अच्छी आ रही है। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो जेल यूज़ मैं कर रही हूँ, इसके बाद जो शाइन, देखिए आप शाइन कितनी अच्छी आ रही है। तो इसको हमें सर्कल मोशन में रब कर अपने फेस पर लगाना है। तो जो जो पर्ल का ये जो जेल है ये अपने आप में बहुत सुंदर है, शाइनिंग वाला है। तो इससे क्या होगा कि आपके फेस पे भी ग्लो आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जेल है
इसने मेरी स्किन को बहुत सॉफ्ट बना दिया है। और आप देखिए, ये मेरा वो हाथ है जिस पे मैंने अप्लाई कुछ भी नहीं करा, ये वो हाथ है जिस पे मैंने अप्लाई करा है। तो आपको फ़र्क दिख रहा होगा दोनों में कि कितना फ़र्क है। देखिए, इसमें शाइन भी आ गई है क्योंकि जेल में शाइन थी, और जेल इसका बहुत सुंदर है। और दोस्तों, ये है सीरम। तो सीरम को दोस्तों अपने फेस पर हम बाद में अप्लाई करेंगे। अभी हमारा एक स्टेप और है, ये है पैक। तो पैक में दोस्तों क्या करना है आपको, जब आप जेल लगा लेंगे तो आपको जो पैक है इसमें आप गुलाब जल थोड़ा सा लेकर इस पैक को मिक्स कर लेंगे, और ब्रश की हेल्प से या हाथों की हेल्प से जैसा आपको अच्छा लगे आप अपने फेस पर उसे अप्लाई कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि ये जो जेल है वो सॉरी पैक है, जब ये सूख जाएगा उसके बाद आप अपने फेस पर से इसे हटाने के बाद जो ये जो सीरम है, इस सीरम को आप अपने फेस पर लगाएं। ये देखिए लिक्विड फॉर्म में है सीरम, और खुशबू बहुत प्यारी है इसकी। इसको अपने फेस पर लगाएं, मॉइस्चराइज करें। ये 6 स्टेप है आपका। तो ये थी पर्ल के रिव्यूज़ जो मैंने आपको यहाँ पर बताए, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आप ये पर्ल की फेशियल किट जरूर यूज़ करें, बहुत अच्छी किट है ये। दोस्तों, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ अब दूसरा जो फेशियल है, फेशियल किट जो है एरोमेटिक की फेशियल किट है। ये आपके फेस को वाइटनिंग के लिए यूज़ होती है। सॉरी, आप देखिए कि इसके अंदर हमें 4 स्टेप दिए हुए हैं और एक सीरम दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा है हमें क्लिंजर लगाना है। क्लिंजर लगाने के बाद आपका फेस साफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो हमारा 2nd स्टेप है वो है फेस स्क्रब का। तो आप देखिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। इसको आपको जो स्क्रब है उसे आपको करना है। स्क्रब आपको करेंगे इस तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया था अभी स्क्रब के वही स्टेप हैं आपके। स्क्रब करना है आपको, और मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर जो है क्या क्या है इस स्क्रब के अंदर। ये एक यूनिक मिक्स है जो कि आपकी डेड स्किन सेल्स को और ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, और आपके जो स्कार्स हैं उनको भी दूर करने में हेल्प करता है। और इसको आपको यूज़ कैसे करना है, अपने फेस पर और नेक पर जेंटली रब करना है सर्कल मोशन में। 5 से 7 मिनट के लिए आपको जेल स्क्रब से अपने फेस को मसाज करनी है। उसके बाद हमारा 3rd स्टेप है वो है जेल। दोस्तों, जेल बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए आप, कितने सुंदर कलर है इसका। इसको आपको सेम अपने फेस पर अप्लाई करना है, नेक पे अप्लाई करना है, और तब तक करना है जब तक ये बिल्कुल सूख ना जाए। तो ये जो है इसे 3 से 5 मिनट के लिए आपको अपने फेस पे इस जेल से मसाज करनी है। दिस जेल बेस्ड क्लींस फॉर्मूला हेल्प्स टू स्किन सेल्स टाइटनिंग, जो हमारे पोर्स ओपन हो गए उनको टाइट करने में जेल हेल्प करता है। और इसकी मसाज आपको 5 से 7 मिनट करनी है। जेल से मसाज करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो 4th स्टेप है वो लेना है। 4th स्टेप जो आपका फेयरनेस क्रीम है जो आपके फेस को
गोरा बनाने में हेल्प करती है। तो इसको हम आसानी से लेंगे और अपने फेस पर मसाज करेंगे तो जो पोर्स ओपन हुए हैं वो फिल हो जाएंगे। और इस तरीके से आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है हल्के हाथों से। और दोस्तों मैं आपको बताऊं यहाँ पर अगर कि इसके अंदर क्या क्या है, इस फेयरनेस क्रीम ने क्या क्या कंटेंस कर रखा है। तो इसमें जो है विटामिन ई है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स हैं और जो आप स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग बनाने में बहुत हेल्प करती है। तो ये मैंने आपको बताया था। इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि थोड़े से सीरम की, या तो आप सीरम की, देखिए इसमें जो सीरम दे रखा है हमें, इसकी इसको ही इस फेस सॉरी इस क्रीम में डाल लें और जो एक पैक रेडी होगा उसे आप अपने फेस पर और नेक पे लगा लें। और अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप क्या करें, तो आप रोज़ वाटर ले लें क्योंकि रोज़ वाटर भी बहुत अच्छा पैक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन हम यहाँ पर सीरम का यूज़ करेंगे। सीरम हमारा एकदम पानी की शेप में, पानी बेस्ड है, तो इसको आप अपनी क्रीम में मिला करके जो क्रीम को क्रीम है एक इसे स्मूथ पेस्ट बनाएंगे और अपने फेस पर अप्लाई करिए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। और ये फिफ्थ स्टेप जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि जो फिफ्थ स्टेप है ये आपका क्या कहते हैं पैक है। इस पैक को आपको गुलाब जल मिला करके अपने फेस पर अप्लाई करना है और देन उसके बाद जब वो सूख जाएगा तो आप उसे वॉश कर देंगे। और ये हर्बल है ये पैक, जो कि आपकी जो स्किन से डेड सेल्स है उसको रिमूव करेगा और उसे फेयर और ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। तो ये थे एरोमेटिक का वाइट ग्लो, वाइटनिंग ग्लो का फेशियल किट जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आपको बताया कि इसे कैसे यूज़ करना है और क्या क्या है इसके अंदर, जिसके मैंने आपको रिव्यूज़ दिए। तो दोस्तों एरोमेटिक का भी फेशियल किट बहुत अच्छा है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं और किसी भी ऑनलाइन या शॉप से आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, देखिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ शहनाज का, जो शहनाज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में शहनाज का नाम सबसे ऊपर आता है जी। तो शहनाज हुसैन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप में पहले तो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होते हैं। तो अब मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो शहनाज का जो फेशियल है, सॉरी ये शाटेक्स है, शालाइव्स है, ये बहुत कॉस्टली आते हैं और ये प्रोडक्ट्स के रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि यूज़ करे हुए हैं जो शहनाज का शाटेक्स, ये प्रोटीन मास्क है जो आपके फेस को जो भी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं ये वो इसलिए यूज़ होता है फेशियल में इसका यूज़ होता है शहनाज की शाटेक्स का। और ये जो है ये आपके फेस को नरिश करने में हेल्प करता है। और ये है छोटी सी क्रीम है, ये पैक है, ये आपको इसके फेशियल को यूज़ करने के बाद उस पर अप्लाई करनी है। तो ये छोटा सा रिव्यू था शहनाज के शाटेक्स शालाइफ का, ये शाटेक्स शालाइफ और ये है स्मूथ शा स्मूथ प्लस। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो शहनाज की मैंने आपको दिखाई, इसके रिव्यू इसकी जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये सब जो है बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई इसमें आपका क्या कहते हैं
साइड इफेक्ट नहीं आएगा, तो आप ये शहनाज का ये वाला शा लाइफ, शा टेक्स और शा स्मूथ ट्राई कर सकते हैं अपने फेस को और सुंदर बनाने के लिए। कि अगर आप ये ब्लीच ना कर रहे हो तो आप ये ब्लीच भी यूज़ कर सकते हैं, ये पोस्ट ब्लीच है। जब आप ये ब्लीच यूज़ करें तो तब आप ये करें, और अगर आप ये ब्लीच ना यूज़ करें, को नहीं सूट करती है, तो आप ये वाली ब्लीच भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेडी है, ये ब्लीच रेडी होती है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 पैक होते हैं इसके अंदर, और मैं आपको बता दूँ कि इसका जो प्राइस है ये आपको 80 रुपीज़ की पड़ती है ऑक्सी ब्लीच। और इसमें इंस्ट्रक्शंस पैकेट भी होता है, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि आपको ये कैसे कैसे यूज़ करनी है। तो मैं ये नहीं रीड कर रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। और इंस्ट्रक्शंस में देखिए आपको बता भी रखा है हमें कि कैसे कैसे यूज़ करनी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। कि इसके ऊपर लें आप या एक छोटा सा बाउल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमें थोड़ी सी ब्लीच यहाँ पर लेनी है, इस तरीके से हम थोड़ी सी ब्लीच लेंगे। मैं अभी नहीं ले रही हूँ। ब्लीच लेने के बाद आपको उसमें एक्टिवेटर जो मिलाते हैं, ये एक्टिवेटर है, जो एक्टिवेटर हमें मिलाना है वो हमें थोड़ा सा मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना होता। एक्टिवेटर हमें इस तरीके से लेकर इतना चुटकी भर आपको एक्टिवेटर मिलाना है ब्लीच के अंदर, और उसके बाद आपको उसको मैश कर देना है अच्छे से, ताकि जो एक्टिवेटर है वो आपकी क्रीम से मिल जाए, मिक्स हो जाए। और उसके बाद आपको अप्लाई करना है अपने फेस पर अच्छी तरीके से, जिससे कि आपके फेस पे जहाँ जहाँ बाल हैं, फेस पे, गर्दन पे आप इसे अप्लाई करें। लेकिन दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है कि इसका टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए आप थोड़ा सा जो ब्लीच है इसको अपने हाथ पे यहाँ पर अप्लाई करें, और आप 5 मिनट के लिए वेट करके देखें कि अगर आपको ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि ये ब्लीच आपको सूट नहीं कर रही है। और अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो आपको ये ब्लीच सूट कर रही है और आप ब्लीच कर सकते हैं। अभी इस टाइम पे मुझे कोई जलन, कोई फीलिंग नहीं आ रही है, कोई ईचिंग भी नहीं हो रही है हल्की सी टेस्ट करके। या तो आप अपने हाथ के किसी कोने में यूज़ करें, या फिर आप अपने फेस के पास एक छोटे से कोने में, कान के पास ब्लीच को यूज़ करें, और देखें कि अगर आपको जलन नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लीच है वो आपको सूट कर रही है और आप ब्लीच कर सकते हैं। तो दोस्तों, ब्लीच करने के लिए मैंने आपको पैटर्न बताया था कि आपको इस तरीके से ब्लीच यूज़ करनी है। तो ये थी ऑक्सी ब्लीच। ये जो ऑक्सी ब्लीच है ये आपको किसी भी शॉप पर इजीली मिल जाएगी, और इसको यूज़ कैसे करना है मैंने आपको बता दिया था। साथ ही जो ब्लीच है इसके यूज़ करने के सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप हैं। 1, पैक को ओपन करें, ब्लीच को निकालें, देन उसके बाद उसमें एक्टिवेटर मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो ये थी ब्लीच लगाने की स्टेप्स, और ब्लीच यूज़ करने से पहले आपको कैसे ट्राई करना है मैंने आपको अभी बताया था। तो ऑक्सी ब्लीच हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसे हम रखते हैं साइड में। इसके बाद हम लेते हैं नेचर्स की गोल्ड ब्लीच। तो ये दोस्त देखिए, मेरे पास यहाँ पर बड़ा पैक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको आपको क्या करना है, छोटा पैक भी आता है, आप छोटा पैक भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये पैक बिल्कुल वाइट है, जिस तरीके से मैंने आपको ऑक्सी की ब्लीच दिखाई थी वो लाइट शेड ब्लू कलर की थी, और ये जो ब्लीच दिखा रही हूँ मैं आपको गोल्ड नेचरस की, ये एकदम वाइट कलर की ब्लीच है। तो जो इसका एक्टिवेटर है वो भी दोस्तों वाइट कलर का ही होगा। आप देख सकते हैं कि जो इसका एक्टिवेटर है वो भी वाइट कलर का है, ये देखिए। तो यहाँ मैंने आपको, और जो गोल्ड ब्लीच होती है दोस्तों ये
जिनकी स्किन सांवले कलर की होती है वो गलती से भी गोल्ड कलर की ब्लीच ना करें, क्योंकि जो गोल्डन ब्लीच होती है ये आपके फेस को सांवले रंग वाले फेस लोगों के लिए ज़्यादा रिजल्ट लेके नहीं आती है, और बल्कि उनका फेस ब्राइट होने की जगह उनका फेस डल लगता है। तो दोस्तों ये थी नेचरस की गोल्ड ब्लीच जो मैंने आपको बताई यहाँ पर, ये थी ऑक्सी की। अब मैं आपको बताती हूँ ओलिविया की ब्लीच। ओलिविया हर्बल ब्लीच, इसमें हल्दी, चंदन, एलोवेरा और नींबू। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये ब्लीच ओलिविया की जो है वो हमारी हर्बल ब्लीच है, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि इसे यूज़ करने से पहले, कोई भी ब्लीच यूज़ करने से पहले, चाहे वो हर्बल हो, चाहे वो फ्रूट ब्लीच हो, चाहे वो गोल्ड हो, ऑक्सी हो, जो भी ब्लीच आप यूज़ करते हैं, उसे यूज़ करने से पहले आप अपने हाथ पर या ईयर के पास एक बार लगाकर टेस्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो ओलिविया की हर्बल ब्लीच मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होती है। इसके लिए आपको क्या, ये देखिए छोटी सी बहुत क्यूट सी पैकेट है इसकी। इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या निकलता है। इसमें देखिए इस तरीके का स्पैचुला निकलता है, और एक हमारे लिए इंस्ट्रक्शन पैकेट होता है जिसमें लिखा होता है कि आपको ब्लीच कैसे कैसे यूज़ करनी है, आपको क्या क्या करना है, हर लैंग्वेज में लिखा होता है। तो अभी मैं इसे बंद करती हूँ, और देखिए ये है इसमें एक्टिवेटर। ये देखिए ओलिविया के हर्बल ब्लीच का ये ब्लीच है। तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि इसका कलर कैसा है। इसका कलर येलो है, आप देख सकते हैं कि इसका कलर येलो है, और जो इसका एक्टिवेटर है, जाहिर सी बात है जो इसका एक्टिवेटर होगा उसका कलर भी येलो होगा। इसकी पैकिंग बहुत अच्छी करी हुई है ओलिविया की। यस देखिए ओलिविया का जो एक्टिवेटर है, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, जो ओलिविया का एक्टिवेटर है ये देखिए आप, ये भी येलो कलर का है। तो स्पैचुला में आपको क्या ध्यान रखना है, इस तरफ से आपको ब्लीच निकालनी है, और जो इसका पीछे का हिस्सा है इस तरफ से आपको एक्टिवेटर निकालना है। और एक्टिवेटर दोस्तों याद रखिए कि आप थोड़ा ही लें। तो ये मैंने आपको दिखाया था ओलिविया की हर्बल ब्लीच, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, और ये हर स्किन के लोगों के लिए होती है। तो देखिए इसका कलर और उसकी खुशबू भी दोस्तों बहुत अच्छी है। ये येलो कलर की इसलिए है क्योंकि येलो कलर इसमें हल्दी चंदन मिला हुआ है, इसीलिए ये येलो कलर की है। ये बंद नहीं हो रही है क्योंकि इसमें, चलिए ये मैंने भी आपको दिखाई थी ओलिविया की हर्बल ब्लीच। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जॉलन की ब्लीच। जो जॉलन है ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, ये यूएसए की कंपनी है, और जो हर्बल ब्लीच है ये आपकी मेड इन इंडिया है मे बी। ये ओलिविया की ब्लीच का अगर प्राइस मैं आपको बताऊं तो ये 45 रुपीज़ की आपको मिलती है, और ये सर्टिफाइड भी होती है। जॉलन की ब्लीच का मैं आपको प्राइस बताती हूँ। जॉलन की ब्लीच का जो प्राइस है, ये बड़ा पैक है, तो ये जो पैक है ये 425 रुपये का पैक है, और ये यूएसए की कंपनी है, ये इंडिया की नहीं है बनी हुई।
जॉलिन कंपनी है ये। तो ये देखिए इसकी पैकिंग दोस्तों बहुत सुंदर करी हुई है, कलर ही बहुत सुंदर दे रखा है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें हमें यहाँ पे दो एक्टिवेटर मिले हुए हैं। वो इसलिए मिले हैं क्योंकि जो दो एक्टिवेटर हमारे यहाँ पे इसलिए मिले हैं क्योंकि जो हमारी ब्लीच है, सॉरी ब्लीच की जो क्रीम है वो बड़ी है, बड़े अमाउंट में है, तो इसलिए इन्होंने हमें दो एक्टिवेटर दे रखे हैं क्रीमी ब्लीच के। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे साफ लिखा है दो एक्टिवेटर हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने यहाँ पे एक ही एक्टिवेटर यूज़ किया है, तो पहले मैं आपको क्रीम दिखाती हूँ इसकी। इसकी डिब्बी की भी पैकिंग इसकी बहुत सुंदर है, ये भी वाइट कलर की है और इसके अंदर स्पैचुला इस तरीके से होता है। ये देखिए ये बहुत क्रीमी शेप में है लाइक आइसक्रीम। तो इसको आपको ब्लीच को यूज़ करना है। ये भी वाइट कलर की है और जो इसका एक्टिवेटर है दोस्तों ये भी वाइट कलर का है, प्रॉपर वाइट आप देख सकते हैं, लाइक अ नमक सॉल्ट। तो ये है आपकी जॉलन की ब्लीच जो मैंने आपको दिखाई। इसके छोटे पैक भी आते हैं, आप चाहें तो इसका छोटा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रूट ब्लीच, नेचरस की फ्रूट ब्लीच। ये दोस्तों जो है ये 70 रुपीज़ की है आपकी फ्रूट ब्लीच, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्रीम ब्लीच वो आपकी 30 ग्राम है और जो आपका एक्टिवेटर है वो 10 ग्राम है। तो फ्रूट ब्लीच मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें देखिए एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो क्या है, फ्रूट क्रीम जो है वो एक्स्ट्रा है पोस्ट ब्लीच। तो सबसे पहले हम पोस्ट ब्लीच को ओपन करते हैं। इसमें ये छोटी डिब्बी में दे रखा है और ऑक्सी में पोस्ट ब्लीच जो है वो पैकिंग में दे रखा है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है दोस्तों, सीरियसली इसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो आप इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने हाथ पर इस तरीके से ट्राई ज़रूर करके देखना है। ये फ्रूट की पोस्ट ब्लीच है, एक स्पैचुला इसके अंदर दिया गया है, ये भी बहुत प्यारा सा है, क्यूट सा। और दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है नेचरस की फ्रूट ब्लीच जो है ये अभी अनपैकिंग थी, मैंने आपके आगे अनपैक करा है इसे, ये खुली नहीं थी। तो आपको ऐसे ही ये ब्लीच यूज़ करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस तरीके से ये लेना है, उसके बाद आपको एक्टिवेटर जो है वो भी आपका वाइट कलर का होगा, फ्रूट ब्लीच का एक्टिवेटर। ये देखिए सॉरी ये बहुत केमिकल वाला है, इसमें एक्टिवेटर दोस्तों केमिकल वाला ही होता है। तो ये मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको 5 तरीके की ब्लीचेस दिखाई थी जो कि आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनी की। अब मैं आपको 5ों ब्लीचेस के बेनिफिट बताऊंगी, इनके सॉरी प्राइस बताऊंगी कि 5ों ब्लीच में सबसे महंगी ब्लीच और सबसे सस्ती ब्लीच कौन सी है, कंपेयर करूंगी आपको। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे गोल्ड ब्लीच का प्राइस बताऊं अगर तो ये 495 की है और इसका जो छोटा पैक है वो अराउंड जो 100 के अराउंड आपको इजीली गोल्ड ब्लीच का जो पैक है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका प्राइस हमने बताया आपको। फ्रूट ब्लीच का प्राइस जो है सर 70 रुपीज़ का है, तो 70 रुपीज़ का प्राइस है इसका फ्रूट ब्लीच का। जॉलन की जो ब्लीच है
वो भी आपकी अप्रॉक्स नेचर की कोल ब्लीच के बराबर ही इसका प्राइस है, तो ये 425 का है जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। और ये ओलिविया की हर्बल ब्लीच है, ये आपकी 45 रुपीज़ की मिलती है सबसे छोटा पैक। और ऑक्सी का जो छोटा पैक है मैंने बताया था कि 80 रुपीज़ का मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सारी ब्लीचेस के प्राइस अप्रॉक्स सेम ही है, और सारी ही ब्लीच अच्छे रिजल्ट देती हैं, अच्छी ब्रांड की हैं। तो आप जब भी ब्लीच यूज़ करें, सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसे टेस्टिंग ज़रूर करनी है, ताकि आपको अगर उससे साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आप उसे यूज़ करके देखें, और अगर आपको साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आप उसे बिल्कुल भी मत यूज़ करिए, वरना ये आपके फेस पे दाने आ जाएंगे, रैशेज हो जाएंगे, आपका फेस बेकार हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप जो ब्लीच है इसको यूज़ करने से पहले एक बार टेस्ट ज़रूर करें। तो ब्लीच का रिव्यू हमारा होता है कंप्लीट, अब हम आपको बताते हैं फेशियल के रिव्यूज़। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे होंगे कि आज हम बात करेंगे वाइन फेशियल किट के बारे में। ये किट आस्था बेरी की है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और इसकी पैकिंग आप दोस्तों देख रहे होंगे कितनी सुंदर है। इसकी पैकिंग का कलर ही अपने आप में बहुत सुंदर है। वाइन किट आपको लोटस की भी मिलेगी, VLCC में भी वाइन किट आती है, और भी कई कंपनीज में वाइन किट अवेलेबल होती है, बट आज हम बात करेंगे आस्था बेरी वाइन फेशियल किट के बारे में। तो दोस्तों ये किट आपको मार्केट में 750 की मिलेगी, और अगर आप इससे छोटा पाउच लेना चाहते हैं तो छोटा पाउच आपको 350 के अराउंड इजीली मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर स्टेप्स कितने हैं। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर प्रॉपर लिखा है कि इसके अंदर 5 स्टेप्स हैं। फेशियल में पहले 4 स्टेप्स होते थे, बट अब सीरम आ गया है जिससे 5 स्टेप्स हो गए हैं। और अगर हम बात करें तो ये हमारी स्किन के रिंकल्स को रिमूव करने में हेल्प करती है, साथ ही हमारे फेस को ग्लो देती है। और ये तो आप सबको आई थिंक पता ही होगा कि वाइन हमारी स्किन पे ग्लो लाने में बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। तो चलो हम इसे ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर किट कैसी है। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमें 5 स्टेप दे रखे हैं, 5 बॉक्सेस दे रखे हैं, जो कि हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1 के बारे में, फिर करेंगे स्टेप नंबर 2, देन स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, और लास्ट में आता है हमारा वाइन सीरम। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्रब के बारे में। तो हर फेशियल में पहले स्क्रब होता है। सबसे पहले आप अपने फेस को वॉश करेंगे, उसके बाद आप अपने फेस को टॉवल से पोंछने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रब, ये देखिए आप इसकी डिब्बी भी अपने आप में बहुत सुंदर है, ये देखिए कलर देखो इसका, क्रीम का कितना अच्छा स्क्रब कलर है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है क्योंकि मैं आपको भी हाथों पे करके बताऊंगी। तो इसको हमने बंद करा, हम यहाँ पर इस तरीके से अपनी स्क्रब को हमेशा अपने फिंगर टिप्स आपके ये होते हैं, इनकी हेल्प से आप अपने फेस पर धीरे धीरे स्लो मोशन में इस तरीके से अप्लाई करेंगे। इस तरीके से ऐसे सर्कल मोशन में अप एंड डाउन, डाउन टू अप, अप एंड डाउन, डाउन टू अप, इस तरीके से आपको सर्कल मोशन में अपने फेस पर दोनों हाथों को इक्वल घुमाना है। आपके दोनों हाथ बराबर चलने चाहिए। ये देखिए इसमें स्ट्रेक्स हैं, ग्रेप स्ट्रेक्स हैं, जो कि आपकी डेड स्किन को निकालने में हेल्प करते हैं। स्क्रब हमारी हेल्प इसीलिए करता है कि हमारी स्किन में जो गंदगी जम जाती है, डेड स्किन जो होती है, डेड सेल्स हैं, उन्हें हटाने में हमारी हेल्प करता है। इसे आपको 5 to 7 मिनट के लिए स्लो मोशन में और हल्के हाथों से आपको अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे 2 सेकेंड के लिए करा है, देन आपको उसे टिश्यू पेपर से या वेट वाइप से आपको इसे साफ़ कर देना है। ठीक है,
अब इसके बाद हम स्टेप टू अप्लाई करेंगे। तो स्टेप टू में हम देखेंगे कि ये जेल है, जैसा आपको दिख रहा होगा वाइन जेल। इसका तो कलर बहुत ही सुंदर है, जैसा आप देखोगे एकदम जैम की तरह जेली है ये। इसको हम हल्का सा इस तरीके से लेंगे, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए आप अपने फेस पर सेम स्लो मोशन में, सर्कल मोशन में अप एंड डाउन करके अपने फेस पर अप्लाई करेंगे धीरे धीरे हल्के हाथों से। दोस्तों ये हमेशा याद रखो कि आपको हमेशा स्क्रब या फेशियल, कुछ भी फेशियल के लिए हमेशा आपको अपने हल्के हाथों का ही यूज़ करना है। टाइट स्किन पर टाइट हाथ को इस तरीके से रब नहीं करना है, क्योंकि हमारी फेस की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो उसको धीरे धीरे आराम से ही आपको अप्लाई करना है इस तरीके से, इस तरीके से जैसा आपका है हाथ सेट बैठे। उसके बाद हम इसको हटा देंगे वेट वाइप्स की हेल्प से। अब आप देखेंगे कि मेरी स्किन में थोड़ा सा फ़र्क आने लगा है। थर्ड स्टेप हम लेंगे जो कि है हमारा क्रीम, वाइन की क्रीम है ये हमारी। इसको आपको 5 to 7 मिनट के लिए अपने फेस पर एज अ मसाज, जैसे हम मसाज करते हैं ऐसे यूज़ करना है। इस तरीके से हल्के हाथों से आप इसको यूज़ करेंगे इस तरीके से। जब आप फेस पे करेंगे तो आपके हाथ ऑटोमेटिकली उस शेप में यूज चलेंगे जिस शेप में आपको फेशियल करना होता है, इस तरीके से। यहाँ मैंने 2 सेकंड के लिए करा है, इसके बाद मैं इसे रिमूव कर दे रही हूँ वेट वाइप की हेल्प से। अब हमारा है 4th स्टेप है वाइन मास्क। इसके लिए क्या करना है आपको, मास्क को एक छोटे से बाउल में मास्क को लेना है, और हल्का सा अगर आप इसमें गुलाब जल मिला लेंगे तो आपके फेस पे और भी ग्लो आएगा। हल्के से फेस पैक में हल्का सा कुछ बूंदे आपको रोज़ वाटर की मिलानी है, और उसके बाद आपको अपने फेस पर एक ब्रश की हेल्प से इस मास्क को अप्लाई करना है इस तरीके से। उसके बाद आप इसको सूखने देंगे। आई थिंक 10 to 15 मिनट के अंदर ही आपका मास्क सूख जाएगा। उसके बाद आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये सूखा है नहीं है। देखिए अभी ये सूखा नहीं है, आई नो, बट जब सूख जाएगा तो ये हमारे हाथों पर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये सूख चुका है। उसके बाद आप इसको गीले टॉवल से या फिर वेट वाइप से या टिश्यू पेपर से, किसी से भी आप इसको हटा सकते हैं, अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद हमारा 5th स्टेप है सीरम, वाइन सीरम। हमें इस तरीके से हल्का सा लेना है, देखिए, और उसको अपने फेस पर, पूरे फेस पर क्रीम की तरह लगाना है। यह हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, और जो सेल्स, जो फेस के सेल्स खुल गए हैं उनको भी कवर करेगा। इस तरीके से आपको 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए अपने फेस पर अच्छे से हल्के हाथों से लगाकर छोड़ देना है आपका। आप देखें, और हल्का हटा देंगे आप इस तरीके से इसको, आप देखेंगे कि आपके फेस पे एक ग्लो आया है, एक चमक आएगी, और वो सब पॉसिबल है आपका वाइन फेशियल किट से। तो दोस्तों एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, आपको अपने आप इसके इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स पता लगेंगे। ये आपकी स्किन पे बहुत बहुत इफेक्टिव होगा। थैंक यू। चलिए हम इसे ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस किट में क्या है। ये देखिए, ये इस तरीके से होती है, जिसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑरेंज स्क्रब की, जो कि फेस स्क्रब है। ये ऑरेंज के पील से बना हुआ स्क्रब है, जिसको आपको सबसे पहले हमें क्लिंजिंग मिल्क यूज़ करना है। इसकी ये आलमंड का क्लिंजिंग मिल्क है, जो आपकी स्किन को क्लिंस करता है। इसको आपको फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पर अप्लाई करना है।
ये इस तरीके से होगी और इसको हम ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से। दोस्तों अभी मैंने ये अनबॉक्स करा है तो ये ओपन नहीं है। ये देखिए इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा अपने हाथों पे ले लेते हैं अभी, और आपको इस तरीके से अपने फेस पर लेना है इसको, और इसको आप इस तरीके से अपने फेस को वॉश करके उस पर इस तरीके से हल्के हाथों से 5 मिनट के लिए मसाज करेंगे, लोशन लगाएंगे, ताकि जो आपके फेस पे जो डस्ट है, जो गंदगी है, वो इस लोशन के थ्रू बाहर आ जाएगी। क्योंकि फेशियल में क्या होता है कि आपके पोर्स फेस के जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिससे वो डस्ट होती है वो आपके फेस में क्लीन करने की जगह उसमें अंदर चली जाती है। तो क्लिनजिंग मिल्क आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए अगर इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो इसमें आलमंड ऑयल है और ग्लिसरीन है, वैक्स है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके जिससे ये आपका क्लिनजिंग मिल्क बना है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और आपके इसे फेस और नेक दोनों पर इस तरीके से अप्लाई करना है, उसके बाद आपको इसको वॉश करना है। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऑरेंज स्क्रब, जो मैंने अभी बताया था आपको कि ऑरेंज के पील से बना हुआ है ये। बहुत इसकी शीशियाँ बहुत अच्छी हैं, इसमें अच्छे से आप यूज़ करके रख सकते हो। ये देखिए आप, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसको आपको हल्का सा लेना है, बहुत थिक है ये। ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये बहुत थिक है, मैंने इसको लिया है और इसको मैं हल्के हाथों से स्क्रब, हमेशा आप दोस्तों आपको अपने हल्के हाथों से करना है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ले करके अपने फेस के अकॉर्डिंग उसके ऊपर आपको स्लो मोशन में अप एंड डाउन सर्कल मोशन में धीरे धीरे अपने हाथों से अपने फेस और नेक पर स्क्रब करना है, जिससे कि आपके स्किन पर जो भी फेस पर जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी। साथ ही आपको जैसे भी सूखने लग जाएगा तो आपको हल्का सा वाटर लेकर इसको फिर से रब करना है धीरे धीरे, ताकि जो भी गंदगी है आपके फेस पर वो निकल जाए और आपका फेस क्लीन हो जाए। स्क्रब हमारे फेस को क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है। हम इस तरीके से 5 to 7 मिनट के लिए स्क्रब करेंगे हल्के हाथों से। टाइट हाथों से स्क्रब नहीं करना है, वरना स्किन छिलने का भी डाउट रहता है, क्योंकि फेस की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो हमें धीरे धीरे इस तरीके से अपने हाथों पे फेस पर स्क्रब करना है। और जब ये सूख जाएगा, स्क्रब करते करते ये ऑलमोस्ट हाफ क्वांटिटी में आ जाता है, उसके बाद आपको इस तरीके से इसे हटा देना है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में फ़र्क आया है। इस हैंड को देखिए और देखिए इस हैंड को कि थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा होगा आपको। इसके बाद अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, तो इसके ये हमारी स्किन को वाइट ब्राइट करने में बहुत हेल्प करती है। और इसके बाद हम नेक्स्ट अगर स्टेप देखेंगे अपना, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है मसाज क्रीम, और उसके बाद है हमारा स्किन पॉलिशर, और उसके बाद है हमारा मास्क। ठीक है, तो हम थर्ड स्टेप को यूज़ करेंगे, जो कि है हमारा तो जैसा मैंने आपको भी बताया था कि आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक हार्वेस्ट फेशियल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताती हूँ, स्क्रब है ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट एंटी टैन स्क्रब है ये, और ये है उसका मास्क एंटी रिंकल ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का, और ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का मसाज क्रीम। तो ये दोस्तों एंटी एजिंग फेशियल है, जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा लुक देता है, साथ ही आपकी एंटी एजिंग रिंकल्स को भी रोकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्क्रब के बारे में, तो ऑर्गेनिक हार्वेस्ट एंटी टैन स्क्रब, जिसके अंदर शिया बटर लिक्विड एंड प्रो विटामिन
B5 है और ये आपकी स्किन की रिंकल्स को रिमूव करता है, डार्क स्पॉट्स को हटाता है, साथ ही आपकी स्किन को बहुत ही ब्राइट बनाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो सर दोस्तों ये बहुत कॉस्टली होता है। इसका प्राइस है यहाँ पर 895 का है ये, और ये इसकी एक्सपायरी डेट है 10/4/2021 की। और मैं इसको अगर अनपैक करती हूँ तो देखिए इसकी ये इसकी डिब्बी है जो बहुत सुंदर है। इसके अंदर इस तरीके से आपको दिखेगा स्क्रब, और आपको स्क्रब के लिए क्या करना है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसको आपको अपने हाथों पे हल्का सा लेना है, सॉरी हाथों पे लेकर अपने फेस पर अप्लाई करना है, और इसका स्क्रब इस तरीके से आपको करना है इस तरीके से। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इसको आपको जैसा हर फेशियल में मैं आपको बताती हूँ कि 5 to 10 minutes के लिए आपको करना है, तो आपको 5 to 10 minutes के लिए करिए। और मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, यूज़ कैसे करना है इसको। इसको आप अपने फेस को पहले गीला करना है, उसके बाद स्क्रब को अप्लाई करना है और हल्के हाथों से स्किन को मसाज करना है 5 to 10 minutes, एंड उसके बाद आप इसको वेट वाइप से रिमूव कर देंगे। इसके बाद दोस्तों क्या करना है हमें, इसके बाद आपका आता है मसाज क्रीम, जो ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की ही एंटी एजिंग मसाज क्रीम है, जिसके अंदर शिया बटर और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा टेस्टेड है ये क्रीम। इसका वेट है आपको 50 ग्राम इसका वेट है, जो कि आपको मिलेगा 545 का, और इसकी एक्सपायरी डेट भी 21/9/2020 है इसकी एक्सपायरी डेट। इसको मैं अनबॉक्स करती हूँ, ये देखिए ये क्या है, इसमें मसाज क्रीम को आपको क्या करना है, ये आपकी ये वाली मसाज क्रीम आपकी एजिंग को रिड्यूस करती है और फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करती है, और ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल एनवायरनमेंट से। तो इसको यूज़ करने के लिए हम इसको हल्का सा अपने हाथ पे लेकर आपको 2 to 3 tablespoons क्रीम को लेकर अपने हाथों पे मॉइस्चराइज करना है, ठंडे पानी के साथ आपको अपने फेस पर इसे अप्लाई करना है एटलीस्ट 15 minutes के लिए। आपको अपने फेस पर इसको अप्लाई करना है, इसको मसाज करना है धीरे धीरे फिंगर टिप्स, मैंने आपको बताया था कि फिंगर टिप्स ये होते हैं, इनकी हेल्प से आपको अपने फेस पर इसको अप्लाई करना है इस तरीके से अप एंड डाउन डाउन एंड अप करके जैसे फेशियल में करते हैं। उसके बाद आपको 15 to 10 minutes मैंने आपको बताया था कि करने के बाद आप इसको वेट वाइप से रिमूव कर देंगे, और देखिए आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं मास्क की, तो ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का एंटी रिंकल मास्क, जिसके अंदर एसेंशियल्स ऑयल है और ये भी डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है। ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स दोस्तों बहुत अच्छे होते हैं, ये कॉस्टली तो होते हैं बट इफ़ेक्टिव भी बहुत होते हैं, तो आप चाहें तो इन्हें इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए अगर आप अपने रिंकल से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपनी फाइन लाइंस को छुपाना चाहते हैं, तो आप ये वाला फेशियल ज़रूर यूज़ करिए। इसकी डिब्बी भी बहुत सुंदर है, ये है इसका मास्क, जिसको बहुत थिक है, देखो इसका मास्क बहुत थिक है। इसको आपको लेना है और एक ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर, इसमें थोड़ा सा आप रोज़ पाउडर रोज़ वाटर मिला लेंगे तो ये
और भी थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। और आपको उसके बाद अपने फेस पर इस तरीके से आपको ये मास्क अप्लाई करना है ब्रश की हेल्प से, या आप हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं इस तरीके से। और जब ये दोस्तों सूख जाएगा, ड्राई होने लगेगा, उसके बाद आप इसको हटा लेना, वेट वाइप से हटा लेना या फिर टिश्यू पेपर से हटा लेना, टॉवल से हटा लेना। उसके बाद देखेंगे आप कि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और रिंकल्स भी, इसे कंटिन्यू अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके रिंकल्स भी रिमूव हो जाएंगे। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। माना कि ये बहुत कॉस्टली है बट इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको डिस्काउंट के साथ कम प्राइजेस में मिल जाएगी। तो आप इसको ऑनलाइन मंगाना ज़्यादा मैं बोलूँगी प्रेफर करिए और इसको एक बार ज़रूर यूज़ करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय। तो दोस्तों, और इसमें दे रखा है हमें डार्क स्पॉट कनेक्टर है, ये भी जो किट है ये देखिए आप, ये किट डार्क स्पॉट्स जिनके फेस पर है उनके लिए डायमंड किट बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और ये है डार्क स्पॉट कलेक्टर है, मैंने अभी आपको दिखाई थी। और ये है डायमंड की जो किट है, ये डायमंड की मसाज जेल है। तो मैं जेल आपको दिखा दूं कि ये जेल एकदम वाइट फॉर्म में है और बहुत ही, ये देख सकते हैं आप, ये बहुत स्मूथ है और ये आपके हाथों पे भी बहुत इजीली नहीं आ रहा है। तो इसका जेल भी अलग है डायमंड का, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं अगर आपके फेस पे बहुत सारे डार्क स्पॉट्स हैं। और ये है डायमंड का फेस स्क्रब, ये स्क्रब है, इसको आप अपने फेस पर स्क्रब कर सकते हैं। और ये क्रीम है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो ये 6 चीज़ें जो हमारी डायमंड किट में आती हैं, जो आपके डार्क स्पॉट्स वालों के लिए क्लिनिकली बहुत ही बेनिफिट देती है। तो आप ये किट ज़रूर ट्राई करिए अपने फेस पर अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं। तो मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी कि आप बायोटिक्यू की ये किट अपने फेस पर अप्लाई करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पे ऊपर साफ साफ लिखा है कि स्क्रब है, मास्क है, मसाज जेल है, फेस क्रीम है और 2 सीजन्स भी हैं, ये 2 बार यूज़ हो जाएगी आपके फेस पर अच्छे से। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जॉलन की, जॉलन कंपनी की मैंने अभी पहले आपको ब्लीच दिखाई थी और अब मैं आपको जॉलन कंपनी की परफेक्ट वाइट जो किट है वो दिखाती हूँ। तो ये जो किट आती है ये आपकी कितने की आती है, इसका प्राइस की हम बात करें तो ये 225 रुपीज़ की आती है। और जॉलन की किट के अंदर यहाँ पे हमें अमाउंट भी दे रखा है कि जो क्वांटिटी है वो जो 10 ग्राम इसमें क्लींजिंग जेल है वो 10 ग्राम है एक पीस, क्लींजिंग स्क्रब है वो भी एक पीस 10 ग्राम, मसाज क्रीम 10 ग्राम एक पीस, फेस क्रीम 10 ग्राम एक पीस और फेस सीरम 10 ग्राम एक पीस। तो ये है आपकी जॉलन की फेशियल किट और ये इस फॉर्म में आते हैं पाउचेस के फॉर्म में। और इनके वही स्टेप हैं, इसमें देखिए आपका पैक है, सीरम है, आपकी मसाज क्रीम है, आपकी क्या कहते हैं स्क्रब है। तो ये सारे पैक हैं जो कि आप जॉलन के यूज़ कर सकते हैं और अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जॉलन के भी फेसियल किट के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और ट्राई करें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि लोटस की वाइट ग्लो इंस्टा ग्लो फेनेस फेशियल किट, इसके रिजल्ट भी दोस्तों बहुत अच्छे आते हैं। जो ये लोटस की वाइट ग्लो फेनेस फेशियल किट है
ये भी 225 रुपीस की है, ज़्यादा महंगी नहीं है और मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होती है। और इसकी पैकिंग की अगर हम बात करें तो पैकिंग तो बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन की बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पर साफ साफ दिखा भी रखा है कि ये स्टेप दे रखे हैं आपको चारों, और किस में क्या क्या है। तो मैं आपको इसे अनबॉक्स करके दिखाती हूँ कि ये फेशियल किट में क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ क्लिंजिंग मिल्क है, मास्क है और स्क्रब है, ये चारों चीज़ें हमने यहाँ पे दे रखी हैं। तो जो क्लिंजिंग मिल्क है इसको हमने ओपन करा हुआ है, तो ये इस फॉर्म में है। इस तरीके से आप अपने फेस पर फेशियल करने से पहले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, क्लिंजिंग मिल्क में मैं आपको बता दूं कि जो क्या क्या है क्लिंजिंग मिल्क में। क्लिंजिंग मिल्क में क्या करता है, ये रिमूव करता है डर्ट्स को, मेकअप को, और जो डेली इम्प्योरिटीज जो हमारे फेस पे आ जाती है उनको रिमूव करता है क्लिंजिंग मिल्क। और वाइट ग्लो ओटमील जो है योगर्ट, स्किन को क्या करता है, शाइनिंग देता है, ब्राइटर बनाता है, हेल्थियर बनाता है, और वाइट और ब्लैक हेड्स जो होते हैं उनको रिमूव करने में भी बहुत मदद करता है जो ये जो है आपका स्क्रब है। उसके बाद आती है क्रीम आएगी उसके बाद। जो क्रीम है ये भी आपकी स्किन को डीपली लाइटनिंग, वाइटनिंग और ब्राइटनिंग स्किन बनाने में हेल्प करती है, आपके फेस को एनर्जेटिक दिखाती है, रिफ्रेशिंग दिखाती है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। लोटस वाइट ग्लो जो मास्क है ये आपकी स्किन को लाइटनिंग बनाने में बहुत हेल्प करता है और आपके जो फेस के पोर्स हैं इनको भी ओपन करने में, ओपन को कवर करता है। तो लोटस का दोस्तों ये फेशियल बहुत ही सस्ता है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, एक बार इसे ट्राई करिए ज़रूर, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करिए, अच्छा फेशियल है ये। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको कौन कौन से फेशियल दिखाए हैं, मैंने आपको लोटस के रिव्यूज़ दिए, बाइट के, VLCC, जॉलिन, आस्था बेरी, शहनाज, पपाया, पर्ल की फेशियल किट और एरोमेटिक। और यहाँ मैंने आपको VLCC के ये दो फेशियल के बारे में और बताया था। तो कुल मिला के मैंने आपको यहाँ पर एक एरोमेटिक के भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं, दो फेशियल, मैंने दोस्तों आपको आज यहाँ पर कुल मिला के 10 फेशियल किट के बारे में रिव्यूज़ दिए हैं जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो और साथ ही ये जो किट मैंने आपको दिखाई थी, ये किट यूज़ की हुई हैं, कुछ अनबॉक्स भी करके दिखाई मैंने आपको इनके प्राइस भी बताए और मैंने आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताई। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी किट के रिव्यूज़, और आप इनमें से आपको जो किट अच्छी लगी हो, आपको मैंने हर एक किट की क्रीम, जेल, सीरम हर चीज़ ओपन करके बताई है, इनके रिव्यूज़ के बारे में बताया है,
इनके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने आपको वो भी बताए हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को ट्राई करिए, अप्लाई करिए अपने फेस पर एक एक किट, और देखिए आपको कौन सी ज़्यादा किट ज़्यादा अच्छी लगती है, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको इस किट के रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे लगे, या ये किट आपने अप्लाई करी है, ट्राई करी है, तो आपको ये किट अच्छी लगी है। तो दोस्तों आपको ये किट सारी, इतनी सारी किटों के रिव्यूज़ मैंने एक साथ दिए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये किट्स। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ नेल पेंट के बारे में। जो नेल पेंट है, यहाँ देखिए मैंने बहुत सारी नेल पेंट के शेड्स लिए हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे शेड्स लिए हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कौन कौन से शेड मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। ये देखिए ये शेड ही बहुत अच्छा है, ये गोरे रंग जो हाथ होते हैं और जो सांवले गेहूं रंग के लोग जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी ये जो शेड है ये बहुत सुंदर लगता है। ये शेड आप ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक शेड आपको दिखाती हूँ, ये भी शेड बहुत सुंदर है, ये रेड चेरी में शेड है, ये बहुत प्यारा शेड है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, इस शेड्स को नेल्स पे बहुत सुंदर लगेगा। ये भी पर्पल शेड में कुछ है, ये शेड भी आपको बहुत अच्छा, आप ट्राई कर सकते हैं, ये शेड भी बहुत अच्छा है, हाथों पे लगने के बाद भी ये शेड बहुत सुंदर लगेगा, तो आप इस शेड को भी ट्राई करें। ब्लू कलर का शेड है, कई बार ब्लू कलर का शेड भी आपके हाथों पे बहुत सुंदर लगता है, तो आप इस शेड को भी ट्राई कर सकते हैं। ब्लैक कलर तो बहुत ही सुंदर होता है अपने आप में, तो अगर आप चाहें तो आप ब्लैक कलर का शेड भी नेल्स का अपने हाथों पर ट्राई कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गोरे लोगों के हाथों पे ही ये शेड सुंदर लगेगा, ये शेड सांवले रंग के हाथों पे भी बहुत सुंदर लगेगा, तो आप इसे ट्राई करें। अब ये ऐसे कुछ चुनिंदा शेड्स हैं यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। ये शाइनिंग वाला ब्लैक है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि शाइनिंग वाला ब्लैक है और ये विदाउट शाइनिंग ब्लैक है। तो यहाँ मैंने दोनों शेड लिए हुए हैं, आपको जो शेड अच्छा लगे आप वो शेड ट्राई कर सकते हैं अपने स्किन टोन के हिसाब से। और यहाँ पर ये सिमिलर हैं बट ये फिर भी शेड अलग हैं, ये इसके हल्का टोन लाइट टोन है और ये थोड़ा सा डार्क टोन है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ये शेड भी लगने के बाद दोस्तों बहुत सुंदर लगता है, तो इसको भी आप ट्राई करें। इसके बाद मैं बात करती हूँ ये शाइनिंग वाला है, ये शेड जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये डिफरेंट है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सेम शेड है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये डिफरेंट है। और ये देखिए आप कि ये शाइनिंग वाला है, तो अगर आपको शाइनिंग वाले शेड पसंद है तो आप इस शेड को ट्राई कर सकते हैं और ये आपके हाथों पर बहुत सुंदर लगेगा। ये शेड अभी भी किसी से मैच नहीं कर रहा है, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं ये शेड मैच कर रहा है, तो ये देखिए ये शेड यहाँ मैच कर रहा है, ये विदाउट शाइनिंग है और ये शाइनिंग वाला है, तो ये शेड आप देख सकते हैं आपको जो शेड अच्छा लगे, अगर आप चाहें शाइनिंग वाला तो आप शाइनिंग वाला शेड ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें विदाउट शाइनिंग तो आप विदाउट शाइनिंग वाला शेड ट्राई कर सकते हैं। तो ये शेड दोनों मैंने सिमिलर लिए हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा दोनों में फ़र्क है, तो इसे आप ट्राई करिए और ये आपके पैरों पर हाथों पर बहुत सुंदर लगने वाला है। ये मैंने रानी कलर का शेड लिया है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, रानी कलर का शेड लगने के बाद
तो इसे आप ट्राई करिए। ये गोरे हाथों पर, सांवले हाथों पर, गेहूं हाथों पर, हर कलर के स्किन टोन से मैच करता हुआ शेड है। तो ये सबसे ज़्यादा चलने वाला शेड है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि ये पिंक कलर, लाइट बेबी पिंक जिसे कहते हैं, ये वो शेड है। और ये जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है सेम वही शेड है। और ये कलर बहुत सुंदर लगता है, लड़कियाँ इस कलर को बहुत पसंद करती हैं और लड़कियों के ऊपर ये शेड बहुत सुंदर लगता है। और अगर आपका रंग साफ है तो ये सोने पे सुहागा लगता है। तो आप इस शेड को भी ट्राई कर सकती हैं और आपको ये अच्छा लगेगा। ये नियॉन कलर मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, आजकल ट्रेंड में भी नियॉन कलर बहुत है और लोगों को, लड़कियों को बहुत पसंद भी आता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर है लेकिन ये चेंज है। ये हल्की सी शाइनिंग के साथ ज़्यादा नियॉन है और ये विदाउट शाइनिंग नियॉन है। तो ये दोनों शेड अलग अलग हैं लेकिन हैं दोनों नियॉन पिंक। ये दोनों पिंक बेबी शेड के कलर हैं। तो आपको अगर नियॉन कलर पसंद हो तो आप ये वाला शेड ज़रूर ट्राई करिए और देखिए आपके हाथों पे ये कितना सुंदर लगता है। ये ना ऑरेंज है ना ब्राउन है बट ये कलर लगने के बाद बहुत सुंदर लगता है। तो इस कलर को भी आप ट्राई करिए, अपने ऊपर अप्लाई करिए, हाथों पे अप्लाई करिए, पैरों पे अप्लाई करिए, ड्रेस के साथ मैच करिए और देखिए आपके हाथों पे ये बहुत सुंदर लगेगा। रेड कलर की तो दोस्तों बात ही अलग है, रेड कलर के तो कहने ही क्या है, क्योंकि रेड कलर तो देखिए मैंने भी लगा रखा है। ये हर तरीके के स्किन टोन पर सूट करता है और जो रेड कलर है दोस्तों ये अपने आप में बहुत सुंदर होता है। और ये पर्टिकुलर किसी मैरिड अनमैरिड गर्लिश लुक के लिए नहीं है, ये हर तरीके की लोगों के लिए, लड़कियों के लिए ये कलर सूट करता है रेड कलर। चाहे आप गर्लिश लुक में हो, तो आजकल तो फैशन में भी है कि गर्ल्स को रेड कलर बहुत सुहाता है, और मैरिड हैं तो आप ज़रूर ही यूज़ करेंगे। तो रेड कलर ऐसा है जो आपकी हर स्किन टोन से मैच करता है, साथ ही ये ऐसा कलर है जो आपको सूट करेगा। अब यहाँ मैं बात करती हूँ, थोड़ा सा डार्क है रेड से। ये जो मैंने आपको कलर दिखाया था ये टमाटरी रेड जिसे कहते हैं, क्रिम्सन रेड है। और ये जो कलर है ये ब्लड रेड है। तो ये कलर भी आपके हाथों पे बहुत सुंदर लगेगा, आपके ऊपर बहुत फबेगा ये कलर। तो इस कलर को भी आप दोस्तों ज़रूर ट्राई करिए और आपको देखिए बहुत अच्छा लगेगा ये कलर। तो ये कलर लगने के बाद बहुत सुंदर लगता है। इस कलर को आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये और भी ज़्यादा लाइट है और भी ज़्यादा नियॉन कलर है। तो अगर आपको गर्ल्स को ये कलर बहुत पसंद आता है और गर्ल्स इसके ट्राई कर सकती हैं, ये कलर बहुत चलता है, आजकल ट्रेंड में भी है, तो आप इसको भी ट्राई करिए और आप देख सकते हैं कि ये कलर कितना सुंदर लग रहा है। लाइट है, बहुत लाइट शेड है, तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये अभी मैंने आपको दिखाया था, ये सेम कलर हैं बट ये अभी हल्का थोड़ा सा टोन में फ़र्क है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो कलर हैं ये शाइनिंग वाला है, ये भी शाइनिंग वाला है, लेकिन ये जो कलर है इसमें थोड़ा सा डार्कपन है अकॉर्डिंग इसके। तो अगर आपको थोड़ा सा और लाइट चाहिए तो आप ये कलर ले सकते हैं और ये कलर भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए आप, ये है पर्पल कलर जिसे हम कहते हैं। ये कलर भी अपने आप में बहुत सुंदर होता है, अपने आप में बहुत अच्छा कलर है ये। तो इस कलर को भी आप ट्राई करें, आपके हाथों को बहुत अच्छा लगेगा, आपके हाथों के ऊपर ये कलर बहुत अच्छा लगेगा।
आपके हाथों को बहुत सूट करेगा ये कलर। अगर आपको ये लग रहा होगा, आप देखिए यहाँ पे भी ये दोनों शेड अलग हैं, आपको जैसा देखकर पता लग रहा होगा, ये लाइट कलर है और ये इससे थोड़ा डार्क कलर है। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने पिंक के बहुत सारे शेड दिखाए थे, तो अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो आप ये वाला कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा इसका डार्क टोन चाहिए तो आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं। दोनों कलर बहुत सुंदर है अपने आप में। ये कलर भी शायद नहीं, सॉरी, ये कलर भी रिपीट नहीं हुआ है, ये भी नया कलर आया है। ये कलर भी बहुत अच्छा लगता है लगने के बाद। इस कलर को भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये रस्ट कलर है, इसको भी आप ट्राई करिए। और ये 441 नंबर है इसका, इस कलर को आप ट्राई करें अगर आपको अच्छा लगे। ये रेड कलर सेम है, लेकिन अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा टोन में फ़र्क है। ये रेड मैट है और ये 14 नंबर है, तो दोनों कलर चेंज हैं। रेड में बहुत सारे शेड होते हैं, तो ये भी अच्छा कलर है, इसे भी आप ट्राई करिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो रेड कलर होता है ये अपने आप में बहुत ही सुंदर होता है, तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं इस कलर को, और लगाएं भी। ये कलर हमने यहाँ पे सेम लिए हैं, ये थोड़ा सा डार्क कलर आ गया है रेड का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने आपको इतने सारे कलर दिखाए नेल्स के, और सारे शेड्स अलग अलग थे, और सारे शेड्स जो चलन में हैं, आजकल फैशन में हैं, मैंने आपके साथ शेयर करे, यहाँ पे आपको दिखाए। तो कैसे लगे आपको सारे शेड्स, सारे कलर्स, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के हैं ये, तो आपको होप सो अच्छे लगे होंगे ये शेड्स। तो दोस्तों, आप इनमें से जो शेड पसंद आए हों उनके नंबर्स से उन्हें ले सकते हैं, नहीं तो मार्केट में जाके भी आप ले सकते हैं अपने पसंद के। मैंने आपको वो कलर दिखाए हैं जो फैशन में चल रहे हैं, तो आपके सामने मैंने बहुत सारे नेल पेंट कलर शो करे, प्रेजेंट करे, जो मे भी आपको बहुत अच्छा लगे होंगे। तो ये सारे शेड्स हैं, लेकिन एक शेड्स मैं बताना भूल गई थी, जो कि हमारा वाइट शेड है। और ये ऐसा शेड है कि ये आप कोई भी नेल पेंट लगाएं, उसके ऊपर अगर आप इसे लगाते हैं तो जो आपकी नेल पेंट है उसमें शाइन आ जाती है। इस तरीके से आप ऐसे भी ये नेल पेंट लगा सकते हैं, और ये होती इसलिए है, और अगर आपको किसी नेल पेंट के ऊपर नहीं लगाना इसे, तो आप आपके ने विदाउट नेल पेंट के भी अगर आप इस नेल पेंट को लगाएंगे ट्रांसपेरेंट को, तब भी आपके जो नेल्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, शाइनिंग देते हैं ये आपके नेल्स पर। तो इसको दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप डेली अपने हाथों पर नेल पेंट नहीं लगाएं। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि डेली नेल पेंट लगाने से जो हमारे जो नेल्स के जो सेल्स हैं उनको जो नेल पेंट जब लगी होती है तो सांस नहीं मिल पाती है, तो जिससे क्या होता है कि जो हमारे नेल्स में पीलापन आ जाता है और जो हमारे नेल्स हैं वो डल हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपने नेल्स पे अगर नेल पेंट अप्लाई करते हैं तो उसे एक या दो दिन के अंदर नेल पेंट रिमूवर से रिमूव कर दें, और एक दिन का गैप लेने के बाद ही अपने नेल्स पर नेल पेंट लगाएं। इसलिए क्योंकि आपके जो नेल्स हैं उनको भी सांस लेने की ज़रूरत है, उनको भी थोड़ा सा कवर हटाना है ताकि वो भी अच्छे से ब्राइटनेस में आ सकें, येलो पर ना आए, क्योंकि जो नेल पेंट है वो केमिकल्स वगैरह से बनती है जो कि हमारे नेल्स को हार्म करती है। तो इसलिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप जो भी नेल पेंट लगाएं अपनी पसंद के, उन नेल पेंट्स को आप रात को या नेक्स्ट डे उस नेल पेंट को रिमूव ज़रूर कर दें, और अपने हाथों को विदाउट नेल पेंट थोड़ी देर छोड़ दें। तो दोस्तों, ऐसा ज़रूर करिए,
क्योंकि आपके हाथों की सुंदरता आपकी सुंदरता आपके हाथों से भी होती है। तो उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि नेल्स को भी सांस लेने की ज़रूरत है और नेल्स को भी आप फ्री करेंगे ताकि वो भी थोड़े सही रहें। दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे लिपस्टिक के शेड्स के बारे में। यहाँ पर मैंने ब्लू हेवन की इनोसेंस लिपस्टिक के शेड्स कुछ लिए हैं, जिनके नंबर्स मैं आपको बताऊंगी शेड नंबर्स, और जो शेड आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का ये नियॉन कलर का शेड आपको दिखा रही हूँ, जो कि लड़कियों को बहुत पसंद आता है। आजकल जो नियॉन कलर है ये बहुत ट्रेंड में है, तो यहाँ पे मैंने नियॉन कलर ब्लू हेवन का लिया है इनोसेंस का। इसका जो नंबर है दोस्तों वो है नंबर 7, आपको ठीक से नहीं दिख रहा है, 7 नंबर है यहाँ पर, देखिए 7 नंबर का है ये नियॉन कलर ब्लू हेवन का इनोसेंस का। अगर आपको नियॉन कलर पसंद है तो आप इसको ट्राई करिए। दूसरा शेड है आपका पर्पल शेड, शाइनिंग वाला है, ये है आपका G12, आपको क्लियर हो रहा है? हाँ जी, G12, ये शेड भी बहुत अच्छा है। जो लोग शाइनिंग कलर की लिपस्टिक लगाना पसंद करते हैं ये उनके लिए है। और अगर आप को रेड कलर, ये रस्ट कलर है और ये भी शाइनिंग में है, ना ये ब्राउन है ना ये चॉकलेट कलर है, तो ये भी बहुत सुंदर कलर है और ये G11 है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर लगता है लगने के बाद, और ये गर्लिश कलर है। और ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये पर्पल कलर विदाउट शाइनिंग का है, और ये कलर इसका नंबर 10 है, तो आप इसको भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर कलर लगता है, ये गर्लिश और मैरिड दोनों के लिए, दोनों के ऊपर सूट करता है। ये कलर भी बहुत सुंदर है और इसका नंबर है 10, तो आप इसको भी ट्राई करें अगर आपको ये कलर पसंद आया हो। ये ऑरेंज नियॉन कलर है, अगर आपको पसंद हो ये कलर तो इसका नंबर 13 है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे नियॉन कलर पसंद नहीं है। ये पिंक शेड है, ये अच्छा शेड है, पिंक कलर का नियॉन कलर है ये, और इसका नंबर दोस्तों 16 है। मेरी पहली वीडियो में आपने कंप्लेन की थी कि आपको जो कलर जो नंबर हैं ये क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो आज मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको नंबर क्लियर दिखें सारे शेड्स के। तो ये ब्लू हेवन का नियॉन कलर है और ये कलर बहुत सुंदर लगता है और जो ट्रेंड में भी है। अब मैं आप ये देखिए, ये भी नियॉन कलर है और ये नंबर 6 है नियॉन कलर का, ये भी बहुत सुंदर कलर लगेगा आपका, ये गर्लिश लुक के भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर से आप डार्क करना चाहेंगे तो गाजरी कलर के शेड में आएगा ये कलर। ये कलर डार्क है और ये ब्रस्ट कलर है, ये कलर भी बहुत अच्छा लगता है कई बार, तो इसका नंबर है 5, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर कलर लगता है लगने के बाद। ये रानी कलर जिसे हम कहते हैं ये वो कलर है और ये कलर भी बहुत सुंदर लगता है, ये कलर है 9, ब्लू हेवन इनोसेंस का 9 कलर है, ये बहुत सुंदर कलर है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। और ये नियॉन कलर है लेकिन थोड़ा सा डार्क है, जो मैंने अभी लास्ट कलर आपको दिखाया था, देखिए थोड़ा सा फर्क है इस कलर में, ये 3 नंबर है और ये 6 नंबर है, तो थोड़ा सा इनके शेड्स में फर्क है लेकिन दोनों ही अच्छे कलर्स हैं।
ये भी नियोन कलर है, ये लाइट पिंक का नियोन कलर है, इसका नंबर 2 है। अगर आपको ये पसंद हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसे ट्राई कर सकते हैं। और ये आपका रेड कलर है, बट ये ब्लड रेड नहीं है, ये लाइट रेड है और इसका नंबर 1 है। तो अगर आपको ये भी शेड पसंद आए, होप सो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे इतने सारे शेड्स दिखाए जो कि ब्लू हेवन इनोसेंस के हैं। तो चुने हुए कलर्स हैं, चुने हुए शेड्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। तो अगर आपको ये शेड्स पसंद आए हों, आपको ये शेड्स अच्छे लगे हों, तो मैंने आपको नंबर भी दिखाने की कोशिश की है। तो आपको जो जो शेड पसंद हो वो शेड आप मंगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे शेड्स दिखाए हैं, होप सो दोस्तों आपको ये शेड्स अच्छे लगे होंगे। और अभी मैं आपको बहुत सारे लिपस्टिक के शेड्स दिखाती हूँ, और भी मेरे पास बहुत सारे आज लिपस्टिक के शेड्स हैं जो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगी, और होप सो आपको अच्छे लगेंगे ये शेड्स। इस लिपस्टिक के शेड्स को आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, और मार्केट में भी आपको ये इजीली शेड्स मिल जाते हैं। तो ये थे ब्लू हेवन के शेड्स, ब्लू हेवन के इनोसेंस शेड्स, जिनके नंबर के साथ मैंने आपको वो शेड भी बताए, और साथ ही ये भी बताया कि आपके ऊपर ये शेड्स कैसे लगेंगे। तो आप इन शेड्स को ट्राई करिए, अप्लाई करिए और देखिए आप कितने अच्छे लगेंगे। तो ये थे ब्लू हेवन के वो सारे शेड्स चुने हुए जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ ब्लू हेवन की फॉग फ्री लिपस्टिक ब्लू हेवन की। तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर चुने हुए शेड्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम नंबर 1 से ट्राई करते हैं। ये देखिए रेड कलर बहुत सुंदर है, आपको जैसे दिख रहा होगा ये वॉक फ्री का ब्लू हेवन का नंबर 1 है शेड नंबर। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको एक एक करके सारे शेड्स दिखा रही हूँ। ये है नंबर 2, ये भी देखिए बहुत सुंदर शेड है। नंबर 3, थोड़ा सा इससे लस्ट कलर है, ये भी बहुत सुंदर शेड है। 4 नंबर देखिए, ये भी रानी कलर है, ये ईट ब्लड रेड शेड में कुछ है। ये नंबर है 5। और नंबर 6 मैं आपको दिखाती हूँ, नियॉन कलर है ये, देखिए आप, मैं यहाँ पे सारे शेड्स दिखा रही हूँ आपको। नंबर 7 भी रेड है, लेकिन थोड़ा सा आपके नंबर 1 से थोड़ा सा अलग शेड है। ये है नंबर 8, आठ नंबर के बाद अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखिए ये भी नियॉन कलर है, और ये नंबर 6 है, और हमने लास्ट कलर 6 है, सॉरी ये डबल शेड आ गया है। नंबर 10, ये शेड अभी तक नहीं आया था, ये भी जो लाइट कलर की लिपस्टिक पसंद करते हैं, जिन्हें ब्राइट कलर नहीं चाहिए, उनके लिए ये कलर बहुत सूट करता है। ये नंबर है 10। नंबर 11 नहीं है, हमने नंबर 12 लिया है, ये नियॉन कलर है। नंबर 13 लिया है हमने, रेड मैरून जिसे कहते हैं, ये नंबर 13 है, ये बहुत सुंदर शेड लगता है, ये कॉफ़ी कलर है। ये नंबर 15 है, ये भी सुंदर है, और नंबर 15 हमारे पास 2 हैं। नंबर 16 ये शाइनिंग में है पिंक कलर, ये नंबर 16 है। नंबर 17 ब्राउन कलर है ये। नंबर 18 आप देख सकते हैं कि नंबर 18 भी सुंदर कलर है, जो लोग लाइट शेड पसंद करते हैं उनको बहुत पसंद आएगा।
नंबर 19 रेड कलर में ही है, लेकिन थोड़ा सा सारे शेड से थोड़ा सा अलग है। नंबर 20 पिंक कलर है, शाइनिंग वाला, कई लोगों को ये कलर बहुत पसंद आता है, उनके फेस पे बहुत सूट भी करता है। 21 ब्राउन कलर है, प्रॉपर ब्राउन है 21। और 22 ये भी लाइट शेड है, ये भी आपको पर बहुत फबेगा, ये अनमेरिड लड़कियाँ बहुत यूज़ करती हैं शेड्स को। और ये नियॉन कलर है, जो कि जस्ट लगाना होता है आपको, ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, कितना सुंदर लगता है, लगता ही नहीं आपने लिपस्टिक का कौन सा शेड लगाया है, लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है। ये है नंबर 23। अब मैं आपको दिखाती हूँ नंबर 24, ये शाइनिंग का नियॉन कलर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको कितने सारे शेड्स लिपस्टिक के दिखाए थे, तो होप सो आपको पसंद आए होंगे। किस 22 तो दोस्तों देखिए मैंने आपको यहाँ पे वॉक फ्री ब्लू हेवन के शेड्स दिखाए थे कुछ चुने हुए, जो होप सो आपको पसंद आए होंगे। और आपने आपको मैंने यहाँ पे सारे नंबर भी दिखाए थे हर एक शेड के अलग अलग, तो अगर आपको जो भी शेड पसंद आया हो तो आप उसको अप्लाई कर वो मंगा सकते हैं, खरीद सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि मियॉन कंपनी के जो शेड्स हैं ये बहुत सुंदर हैं। यहाँ पे मैं कुछ चुने हुए पीसेस लेकर आई हूँ, चुने हुए शेड्स लेकर आई हूँ जो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ये है मैं सबसे बड़ी, इसकी पैकिंग बहुत सुंदर है, इसकी पैकिंग आप देख सकते हैं कि जो कलर है सेम यही कलर आपका लिपस्टिक का शेड होगा, जिसे आपको बार बार खोल कर देखने की ज़रूरत नहीं, ये सील पैक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक खुला हुआ कलर दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये शेड यहाँ पे जो जिस कलर का लग रहा है उसी कलर का शेड आपका अंदर भी है। और इसके शेड बहुत सुंदर 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 शेड्स हैं इसके, और इसे आप की पैकिंग ही बहुत सुंदर है अपने आप में, तो आप इसे ट्राई करें, अप्लाई करें अपने फेस पर। तो मैं आपको एक एक करके इनके नंबर बताती हूँ हर एक शेड्स के। तो ये है मियॉन का 9 नंबर है, और ये शेड बहुत सुंदर है, ये गर्लिश लुक का शेड है, तो इसे आप ट्राई करें आपको अच्छा लगेगा। ये है 11 नंबर, वाइन कलर है ये, ये भी बहुत सुंदर कलर है, ये गोरे लोगों पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत फबेगा गोरे लोगों पे, तो आप इसे भी ट्राई करें, बहुत अच्छा कलर है ये मियॉन का। ये है नंबर 15, फक्स कलर है ये कलर भी ब्राउन शेड में आता है और ये बहुत सुंदर लगता है। मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसकी पैकिंग सील है अभी, तो आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि कलर ये अपने आप बहुत सुंदर सुंदर कलर है मियॉन में, तो आप ये कलर भी ट्राई कर सकते हैं, ये कलर हर तरीके के लोगों के ऊपर अच्छा लगेगा। और ये नंबर 15 था, और इसे थोड़ा सा दो नंबर एडवांस है 17 नंबर, ये न्यूड कलर है, ये भी गर्लिश के लिए बहुत बेस्ट कलर है, तो इसे आप ट्राई करिए, इसमें आप बहुत अच्छे लगेंगे, ये कलर भी आपके ऊपर बहुत सूट करेगा। ये है आपका नंबर 2, सेंसुअल रेड, ये कलर अपने आप में बहुत सुंदर है, ये हर तरीके के स्किन टोन के ऊपर सूट करेगा, और हर तरीके के स्किन टोन को लगने के बाद आपके फेस को खिला खिला शो करेगा। ये कलर 7 है, ये भी रानी कलर है, ये पिप कलर बहुत सुंदर है, और ये कलर गोरे लोगों पे और सांवले लोगों पे बहुत खिलेगा, तो आप इस कलर को भी ट्राई करिए, आप देखेंगे कि इस कलर में भी आपको बहुत अच्छा लुक आएगा आपके फेस पे। ये डार्क मैरून है, जिसे कहते हैं अरेबियन नाइट्स, 10 नंबर है, ये कलर आप देख सकते हैं अपने आप में ही बहुत सुंदर है, और ये लगने के बाद भी बहुत सुंदर शेड देता है। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, ये देखिए आप, ये कलर बहुत सुंदर है, इसके शेड्स बहुत सुंदर सुंदर हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अरेबियन नाइट्स है ये कलर, और इसका शेड नंबर है 1।
और ये है चॉकलेट शेड में कलर है ये, आप देख सकते हैं कि यहाँ और यहाँ देखिए सेम कलर है दोनों। लगने के बाद आएंगे ये 14 नंबर है, ये विक्टोरिया ब्राउन कलर है, ये मैरून का शेड है, 14 नंबर है। ये कलर बहुत सुंदर है, ये जो लोगों को ब्राउन शेड के टच के शेड्स पसंद आते हैं उन्हें ये शेड बहुत अच्छा लगेगा। और ये है साइबर N18, ये भी कलर बहुत है, जिन्हें डार्क कलर पसंद है उन लोगों के लिए ये शेड्स बहुत अच्छे हैं। तो ये मियोन के कुछ शेड्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए, होप सो आपको अच्छे लगे होंगे। और मैंने आपको हर एक लिपस्टिक के शेड्स के मैं आपको नंबर भी बता रही हूँ ताकि आपको जो शेड अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो ये शेड चुने हुए शेड्स मैं आपके लिए लेकर आई थी, जिसमें ब्राउन शेड भी है, आपका रानी कलर भी है, रेड से टच खाता हुआ भी है, बहुत सारे शेड्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट किए। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ लोटस के शेड्स, मैं यहाँ पे कुछ चुने हुए शेड्स लेकर आई हूँ लोटस के लिपस्टिक के। इसकी पैकिंग भी बहुत सुंदर है, जैसा आप देख सकते हैं कि पैकिंग ही बहुत सुंदर है अपने आप में, और इसके शेड्स भी बहुत सुंदर होते हैं, और ये स्मच फ्री भी है और काफ़ी टाइम तक रहती भी है लिप्स पर, बहुत जल्दी हटती नहीं है। तो इसके शेड्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक शेड और एक एक नंबर बताऊंगी शेड उस लिपस्टिक का शेड नंबर, जिससे कि आपको जो शेड पसंद हो आप वो शेड ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये पिंक कलर की लिपस्टिक सबसे पहले ओपन करी है, इसका शेड नंबर है 430। अगर आपको ये शेड पसंद आए तो आप इस शेड को 430 नंबर से खरीद सकते हैं। ये भी कलर बहुत सुंदर है, ये गर्लिश लुक में शेड है, ये बहुत सुंदर शेड लगता है लगने के बाद। ये है 415 नंबर है इसका, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से देखो 415 नंबर है। ये बहुत सुंदर सुंदर शेड्स हैं, ये ब्राउन शेड में है, कॉफ़ी ब्राउन, वेरी नाइस कलर। और इसका कलर का जो नंबर है वो 410 है। ये भी कलर बहुत सुंदर लगता है, ये पिंक कलर है, ये कलर गर्लिश लुक के हिसाब से भी अच्छा है और मैरिड लुक के हिसाब से भी अच्छा है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका नंबर है 430, ये भी बहुत सुंदर शेड है, ये शाइनिंग में है ब्राउन कलर, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कलर। ये है 414, ये रोज बिल्स कलर है, ये 414 नंबर है, और ये भी जो गोरे लोग होते हैं बहुत सुंदर लगेगा। ये शेड देखिए, ये भी बहुत सुंदर शेड है, और ये नंबर है 408, ये कलर भी बहुत सुंदर लगता है, ये रेड कलर है, ईंट का रेड कलर जिसे कहते हैं ब्रिक रेड कलर, तो ये भी बहुत सुंदर है। 428 नंबर है इसका, ये शेड बहुत सुंदर है और ये मैरिड और अनमैरिड दोनों पे बहुत खिलता है ये कलर, ये नियॉन कलर है और इसका शेड नंबर है 424, जो कि बहुत सुंदर लगता है जिन लोगों को नियॉन कलर पसंद है। और ये है पिंक कलर जिसका नंबर 430 है। ये लोटस का ब्राउन कलर है जिसका नंबर 406 है, वाइन कलर है ये, ये भी लगने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और ये है डार्क ब्राउन कलर, अगर आपको पसंद है लगाना तो ये आपके लिए है, 428 नंबर, जिसे हम पर्पल डेजी भी कह सकते हैं। और ये है आपका पिंक पॉप कलर, 424 नंबर है ये, ये नियॉन कलर है। ये है 418 ट्रिप लव, ये कलर बहुत सुंदर है, ये लगने के बाद बहुत अच्छा लगता है लिप्स पर। ये है 422 लोटस का पिंक कलर है, ये देखिए एकदम कमल के जैसा पिंक कलर है ये, और इसका नंबर है 422। अगर आपको लाइट शेड पसंद है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और ये ट्लिप लव है 418 नंबर, ये भी बहुत सुंदर शेड है, अगर आपको लाइट शेड पसंद है तो आप ये
ट्राई कर सकते हैं। ये है आपका 430 नंबर है, ये भी पिंक का शेड है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर लोटस के कुछ चुने हुए शेड्स दिखाए हैं जो कि होप सो आपको पसंद आए होंगे, और मैंने आपको आपके नंबर भी बताए हैं। तो आपको जो शेड पसंद आया हो उस कंपनी के शेड के हिसाब से आप वो लिपस्टिक शेड खरीद सकते हैं। तो कैसे लगे आपको ये शेड्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी मैं आपको, तो दोस्तों ये थे वो शेड्स जो मैंने आपको बताए लोटस के, होप सो आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप मार्केट में जाकर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। कंपनी के हिसाब से आपको जो शेड अच्छा लगा हो आप वो शेड ले सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी हमें बताएं कि आपको हमारे लिपस्टिक के रिव्यूज़ कैसे लगे आपको हमारे चुने हुए शेड्स जो मार्केट में बहुत चलते हैं, तो हमने आपसे शेयर करे हैं। तो होप सो दोस्तों आपको ये सारे शेड्स बहुत अच्छे लगे होंगे लोटस के। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ और शेड्स लेकर आई हूँ और लिपस्टिक्स के, ये भी बहुत सुंदर शेड है। और ये कौन सी कंपनी है, रोडा की है ये। इसके शेड्स बहुत सुंदर सुंदर है, आप देख सकते हैं कि इतना सुंदर है। और मैं आपको इसका नंबर बताती हूँ, आप शेड देखिए बहुत सुंदर है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर शेड्स हैं। यहाँ पे मैं आपको सारे शेड्स खोल के दिखा रही हूँ, और सारे शेड्स अलग हैं, कोई शेड रिपीट नहीं है यहाँ पर। देख सकते हैं आप कितने सुंदर सुंदर कलर हैं इसमें। एक से बढ़कर एक कलर यहाँ आपको शो कर रही हूँ लिपस्टिक के शेड्स, सारे ही बहुत सुंदर हैं। लेकिन दोस्तों इनके नंबर नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर नंबर बताती इनके शेड्स के, इसके पैटर्न डिज़ाइन पैटर्न में नंबर नहीं दे रखा है। तो आप बताइए यहाँ पे आपको कैसे लगे सारे शेड्स। ये देखिए इन लिपस्टिक के सारे शेड्स बहुत सुंदर हैं। अभी मैं आपको और भी लिपस्टिक के शेड्स दिखाती हूँ जो कि बहुत सुंदर लगेंगे आपको। तो ये सारे शेड्स थे जो मैंने आपको दिखाए थे, ये बहुत सुंदर हैं सारे शेड्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ ब्लू हेवन के कुछ और शेड्स हैं जिन्हें मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि होप तो आपको पसंद आएंगे। ये देखिए यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ब्लू हेवन के शेड्स हैं ये, और ये नंबर है 33। ये कितना सुंदर कलर है, रेड
10 नंबर, ये नंबर 1 है रेड कलर, ब्लड रेड, बहुत सुंदर कलर है ये। ये है 38 नंबर, ये भी बहुत सुंदर है, ये नियॉन कलर 67 ब्लू हेवन में। ये पिंक 59, ये है रेड कलर 46 नंबर है, ये नियॉन है 72, बहुत सुंदर कलर है। ये लाइट पिंक है 20, और ये है रेड 48, ये है ब्राउन 41, ये रेड कलर है 47 जो कि बहुत सुंदर कलर है, ये कलर 26 नंबर बहुत सुंदर है, ये भी, ये ब्राउन कलर भी बहुत अच्छा है। तो ये है ब्लू हेवन के चुने हुए कलर जो कि अलग अलग शेड्स हैं, अलग अलग मैंने आपको खोल के दिखाए और इनके अलग अलग आपको नंबर भी बताए हैं मैंने आपको। तो दोस्तों होप सो आपको ये पसंद आए होंगे शेड्स। तो आप मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस कंपनी का, ये ब्लू हेवन फैशन के शेड्स हैं ये, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। होप सो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे ये शेड्स, ये ट्राई करिए, अप्लाई करिए। और ये ऐसे शेड्स हैं जो गर्ल्स और बॉय, वो गर्ल्स और मैरिड दोनों के ऊपर अच्छे लगेंगे। ये सारे शेड्स मैंने आपको दिखाए यहाँ पर, ये देखिए आप, बहुत सुंदर सुंदर शेड हैं यहाँ। अच्छे लगे आपको कलर ये। होप सो दोस्तों आपको ये लिपस्टिक शेड्स जो मैंने आपको दिखाए ये आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आज मैंने करीब आपको बहुत सारे लिपस्टिक के शेड्स दिखाए, बहुत सारी कंपनीज के लिपस्टिक शेड्स दिखाए हैं। होप सो आपको ये सब पसंद आए होंगे। तो दोस्तों मैं आपको आपको बताती हूँ कि ये मैंने यहाँ पर जो आई शेडो 16 शेड्स वाला लिया है, ये देखिए आप हमारी दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे आपको ये भी बताया है कि अगर आपने आई शेडो पैलेट ले लिया है और आपका ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है तो आप किस तरीके से अपने आई शेडो पैलेट का यूज़ कर सकते हैं, उससे आप किस तरह से नेल पेंट बना सकते हैं, किस तरह से आप अपने मेकअप में उसका यूज़ कर सकते हैं आई शेडो पैलेट्स की हेल्प से, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। तो आप इसका रिसाइकल भी कर सकते हैं आई शेडो पैलेट से। और ये यहाँ पे मैंने लिया है, और ये मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लिया है, और हाइलाइटर भी आपको यहाँ पे मैंने 10 शेड वाला दिखाया है आपको, तो आप ये भी अपने मेकअप बॉक्स में शामिल भी कर सकते हैं। हाइलाइटर भी मैंने आपको दिखाया है, उसमें देखिए शेड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, सारे शेड्स ही बहुत अच्छे हैं। और आप हमारी ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप जो आपका आई शेडो पैलेट है, जो फेस जा रहा है, वो आपका यूज़ हो सके। तो इस वीडियो को आप हमारे चैनल पे ज़रूर देखिए, मैंने पहले अपडेट कर चुकी हूँ उस वीडियो को, आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को, आई शेडो पैलेट के यूज़ कैसे करना है। ये है आई शेडो पैलेट, और ये है आई शेडो हाईलाइटर। तो ये दोनों मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ दो फेस पाउडर हैं, जो कि एक है हमारा ब्लू हेवन का, ये ब्लू हेवन का हमारा फेस पाउडर है, और ये है हमारा कलर सेंस का है, ये हाई HD फाउंडेशन पाउडर है ये कलर सेंस का, ये है ब्लू हेवन का। लेकिन दोस्तों जब भी आप फाउंडेशन लें तो अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन ही लें, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन नहीं लेंगे, अगर आपकी स्किन लाइट है और आपने डार्क फाउंडेशन ले लिया है तो आपकी स्किन डार्क दिखेगी, और अगर आपकी स्किन डार्क है और आपने लाइट फाउंडेशन ले लिया है तो जो आपकी स्किन है पैचेस वाला मेकअप आएगा
वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भी आप फाउंडेशन लें दोस्तों, तो वो ज़रूर अपनी क्या कहते हैं स्किन टोन से मैच करता हो फाउंडेशन ही ज़रूर लें। तो यहाँ मैंने आपको दो फाउंडेशन भी दिखाए हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत सारे लिपस्टिक के शेड्स, बहुत सारे रिव्यूज़ दिए हैं। मैंने फेशियल किट के रिव्यूज़ दिए हैं आपको, ब्लीचेस के रिव्यूज़ दिए हैं, नेल पेंट्स के रिव्यूज़ दिए हैं मैंने आपको यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नई नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।